सो फ्रेंड्स इस चैनल के ऊपर मैं मल्टीपल टाइम्स कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स की बात करता हूं लेकिन मैंने आज तक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं की है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट एक एक कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन है uh, मेरे एक फ्रेंड है यूके के में उमैर उनके साथ मैंने एक लॉन्ग कन्वर्जेशन की है तकरीबन कोई डेढ़ घंटे की पॉडकास्ट है वो आप uh, इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं बेसिकली उमैर यू में रहता है और यूके में वो एक स्टार्टअप भी रन करता है अलॉन्ग विद नाइन टू फाइव और इस, इस पूरी वीडियो के अंदर आपको uh, एक लेसन भी मिलेगा कि कैसे आप नाइन टू फाइव जॉब में रहते हुए एक

Uh, थे और इट हैज बीन लॉन्ग टाइम लेकिन यू uh, नो you know, uh, आजकल इंटरनेट में तो आप कोई मसला नहीं होता व्हाट्सएप एंड हैज हैज अ स्टार्टअप और हम आज बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में कि स्टार्टअप्स काम कैसे करते हैं स्टार्टअप बहुत एक

Uh, उसके बारे में बात करेंगे तो उमर वेलकम टू द शो और जस्ट uh, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें लोगों के लिए कि uh, कहां से स्टार्ट किया था और इस वक्त कहां पर है थैंक्स वेरी राइट सो अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड मैंने वली के साथ एनडीसी इंजीनियरिंग की थी uh, 2003 में और तब से जो है अराउंड 20 इयर्स हो गए कोपरेटेड वाइब्रेंट और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स पे काम करते-करते मेरा ज़्यादातर बैकग्राउंड जो है वो आई एंड टेलीकॉम्स में है लेकिन साथ साथ मैंने मैनेज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और मैनेज सर्विसेज के लिए भी काफ़ी काम किया है टू थाउजेंड में यू uh, के अंदर मैंने कंपनी स्टार्ट की थी एवन बिजनेस सर्विसेज के नाम से इनिशियली दैट वॉज लाइक बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की कंसल्टेंसी हमने स्टार्ट की थी लेकिन ड्यूरिंग कोविड वी हैड टू शिफ्ट पिविट फ्राम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड क्योंकि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है तब यू आर मोर इन्वेस्टेबल तो हम आज बात करेंगे वैसे भी स्टार्टअप्स की और कौन सी चीजें जो होती हैं वो स्टार्टअप को इन्वेस्टेबल बनाते हैं और बाय द वे इट्स नॉट इन्वेस्टेबल बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो कोई आउटसाइड फंडिंग के लिए बगैर भी सक्सेसफुल होते हैं तो लेकिन आ, आपको अगर जल्दी ग्रोथ करनी है और अगर आपको आ, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा जल्दी मार्केट में लेके आना है देन, ओके सो बेसिकली आई अंडरस्टैंड कि वो बिजनेस और स्टार्टअप में यही फर्क होता है कि बिजनेस को आप नॉर्मली ग्रो करते हैं ऑर्गेनिकली ट्राई करते हैं कि ग्रो करे लेकिन एक स्टार्टअप जो है वो आप यूजुअली ट्राई करते हैं शुरू में तो ऑर्गेनिकली ट्राई करते हैं लेकिन उसके अंदर फिर आपको फंडिंग चाहिए होती है एंड देन यू

आपका अगर आपका आइडिया इतना अच्छा है अगर आपकी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी है तो फिर आप खुद ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे खुद ही इनकम आपके प्रॉफिट होगा एंड देन यू कैन सस्टेन योर सेल्फ विदाउट एनी आउटसाइड फंडिंग तो स्टार्टअप जो हमारा मिसकनसेप्शन है ना कि इट कैन ओनली कम विद आउटसाइड फंडिंग इट्स नॉट ट्रू हाँ लेकिन आजकल के डायनेमिक्स में आजकल के मार्केट के हिसाब से अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंडिंग होगी देन यू कैन ग्रो क्विकली यस ओके चलो स्टार्ट करते हैं अगर स्टार्टअप से ही के एग्जैक्टली exactly स्टार्टअप hmm. होता क्या है और एंड देन वील ग्रो फ्रॉम देयर के okay. uh, क्या क्या स्टेजेस होते हैं और बहुत सारे मे मेरे जहन में भी क्वेश्चन है तो इफ इफ यू लाइक गो एंड या गुड दैट यू हैव गॉट सम प्रेजेंटेशन रेडी एज वेल यस मैं प्रेजेंटेशन ले चलता हूं यस yes. अच्छा नॉर्मल यूजुअल डिस्क्लेमर्स कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और ये किसी कमर्शियल पर्पजेस के लिए वीडियो नहीं है इट्स लाइक मोर फॉर एन एजुकेशन पर्पजेस फॉर नाउ यस एग्जैक्टली आई शुड मेंशन दिस एज़ वेल कि उमर से मेरी uh, बहुत पुरानी दोस्ती है एंड He, I I saw his LinkedIn post हमारी इतनी ज्यादा interaction नहीं थी लेकिन मैंने LinkedIn post देखी तो हम लोगों ने ऐसी आपस में connect किया तो पता चला कि ये एक नया स्टपेर ने start किया तो मैं क्योंकि different topics के ऊपर तो to on, on topic as well बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे startups क्या होती है startups में कैसे invest कर सकते हैं कौन कौन से उसके platforms होते हैं तो उमैर से जब मैंने ऐसी बात की तो मैंने कहा यार दिस शुड कम एज अ रिकॉर्डिंग और फिर हमने कहा कि एक podcast record कर लेते हैं

कोई भी बिजनेस कभी स्टार्ट हुआ कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है दैट्स ऑलवेज अ स्टार्टअप दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर राइट आजकल हम बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं एप्पल की हिस्ट्री आपके आपको पता है गूगल अल्फाबेट की हिस्ट्री आपको पता है दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द गैरेज इज राइट तो स्टार्टअप कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा कोई भी कंपनी कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी और स्टार्टअप की डेफिनेशन ये कि नॉर्मली एक टर्म होता है ऑन्टप्रेनर तो ऑनटरप्रेनर जो है वो ऑन्टरप्रेनरशिप वो ये काफ़ी आजकल बज वर्ड है हर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है और आजकल जो है वो बींग एन एन ऑंटरप्रिनर इज वेरी इजी टू बिकम एन ऑनटरप्रिनर इज़ वेरी इजी क्योंकि आप लोगों के पास हमारे पास आजकल वो फैसिलिटीज हैं जो पहले नहीं थी hmm. तो इन इन समरी स्टार्टअप जो है जनरली कोई भी कंपनी जब आप स्टार्ट करते हो वी नॉर्मली कॉल इट स्टार्टअप स्टार्टअप के अंदर एक फाउंडर हो सकता है मैनी फाउंडर्स हो सकते हैं जनरली हम कहते हैं को फाउंडर्स एक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जहन में ये या, या एक पिक्चर होती है कि कोई भी कंपनी अगर कोई एक एक स्टार्टअप फाउंडर होगा तो कंपनी कैन नॉट सस्टेन फॉर फॉर लॉन्ग या वो स्टार्टअप जो फाउंडर जो है वो बर्न आउट हो जाएगा वो इतने सारे काम एक साथ देख नहीं सकता तो इस वजह से वो देखते हैं कि एक से ज्यादा को फाउंडर्स हैं टीम कैसी है सिनर्जी कैसी है टीम में तो ये सब चीजें हम आगे जाके कवर करेंगे लेकिन इन अ अटार्टअप दीज डू मैटर तो हमने देखा है कि कुछ सोलो फाउंडर्स होते हैं वो भी सक्सेसफुल होते हैं लेकिन ऑब्वियसली फिर उनका वर्क लाइफ बैलेंस की जो मिथ है वो खत्म हो जाती है एंड दे हैव टू वर्क लाइक क्रेजी राइट और स्टार्टअप की एक एस्पेक्ट ये होती है कि जनरली जब भी स्टार्ट होता है तो इन ऑर्डर टू एक्वायर कस्टमर्स नॉर्मली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफी हाई होती है और शुरू में रेवेन्यू काफी स्लो लिमिटेड होता है दैट इज वाई स्टार्टअप अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे किसी कंपनी को तो आपके पास जो रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑब्वियसली रेवेन्यू शुरू में कम होगा प्रॉफिट मार्जिन तो होगा ही नहीं आप लॉस पे जाओगे क्योंकि कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट बहुत हाई होती है अब जब भी स्टार्टअप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो अगर आप आ, सैस जो आजकल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात कर लें तो उनके अंदर एक डिफरेंट डायनेमिक्स होती हैं इन्वेस्टमेंट की या जो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ स्टाइल की बिल्कुल डिफरेंट होती है अगर आप हार्डवेयर बेस में चले जाते हो जैसे अगर आप कोई रॉकेट बना रहे हो या आप कोई अपनी कोई ऐसी डिवाइस बना रहे हो जो फिज़िकल डिवाइस है तो उसके अंदर आपके जो एम्बेडेड चिपसेट्स हैं और जो सारी चीज़ें उनके अलग कॉस्ट होती हैं प्रोक्योरमेंट की तो डिफरेंट स्टार्टअप्स के डायनिक्स तो भी डिफरेंट होते हैं लेकिन सबकी जर्नी एक तरीके से सेम होती है कि शुरू में आपको कस्टमर की जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है अच्छा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है वो वो इसको इस तरह से समझ लेते हैं ना कि लट से मैंने कोई नई 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 कोई लट से इवन मैंने कोई लट से ग्रोसरी शॉप खोली और मैं चाह रहा हूँ कि वो ऑनलाइन डिलीवरी करूँ लेकिन वो ऑनलाइन डिलीवरी जब करूंगा जब कस्टमर्स आएंगे और कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए मुझे प्रॉबर् उसको मार्केट करना पड़ेगा और मैं कहीं एडवर्टाइजमेंट करूँगा उसकी तो वो जो एडवर्टाजमेंट की कॉस्ट है चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो फिजिकली एडवर्टाइज करो तो वो जो एडवर्टाजमेंट की कॉस्ट है वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर ही शामिल होगी ताकि आप और जब वंस आप वो कॉस्ट लगा देंगे और फिर कस्टमर आएंगे तो वो आपकी टोटल कॉस्ट पर कस्टमर आएगी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बन क्या रही है आपकी अगर कस्टमर्स कम आते हैं तो ऑफकोर्स वो बढ़ जाएगी और कस्टमर ज्यादा आते हैं तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी पर कस्टमर तो कस्टमर इसी को कहते हा कैक जो सी एस सी है और साथ साथ एक टर्म होती है लाइफ टाइम वैल्यू कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो सैस प्रोडक्ट्स हैं जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस 365 एग्जांपल ले लें या आप कोई भी अगर आप मनडे डॉट कॉम यूज कर रहे हो या आप किसी भी सब्सक्रिप्शन सर्विस यूज कर रहे हो तो वो फैक्टर करता है कि कस्टमर हाउ मच कस्टमर हाउ लॉन्ग द कस्टमर स्टिक टू यू वन मंथ ट्वेल्व मंथ तो जितनी ज्यादा एल होती है उतना ज्यादा आई मीन कंपनी के लिए फायदा होता है ठीक है तो इन समरी स्टार्टअप जो है कोई भी कंपनी वेनएवर स्टार्ट स्कॉलर स्टार्टअप स्टार्टअप में अगर ज्यादा फाउंडर्स हो तो अच्छा है

दैट इज वाई स्टार्टअप को शुरू में अगर कैपिटल रेज नहीं करते तो ऑर्गेनिक ग्रोथ मोस्ट ऑफ द टाइम वो हल्की होती है सस्टेनेबल hmm. होती है अगर अपनी आप कॉस्ट कम रखोगे तो या आपका बिजनेस आइडिया इतना जबरदस्त है कि आई मीन यू डिवेलप अ वेरी बिग कम्यूनिटी वेरी क्विकली तब शायद आपको फंडिंग की जरूरत ना हो लेकिन आजकल जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि आइडिया को कॉपी करते हुए देर नहीं लगती तो जितनी जल्दी आप ग्रो करोगे स्केल करोगे कस्टमर एक्वायर करोगे उतना ही सक्सेसफुल आप हो गए ओके okay. ठीक है तो अब यस okay. तो uh, yes. uh, okay. okay. अब हम चाहते हैं कि एक स्टार्टअप का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले आइडियाज तो बहुत सारे होते हैं और मेजोरिटी ऑफ टाइम जो आइडियाज होते हैं ना वो कहीं और इंप्लीमेंट हुए भी होते हैं लेकिन हर मार्केट की डायनामिक डिफरेंट होती है तो जैसे पाकिस्तानी मार्केट है इंडियन मार्केट है श्रीलंका की मार्केट है उनके जो कस्टमर बिहेवियर है उनके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी जो वेस्ट के अंदर है यूएसए के अंदर है या कनाडा के अंदर है राइट या यूके के अंदर है तो आइडिया तो हो सकता है यूनिक ना हो या हो भी सकता है यूनिक हो अगर यूनिक है तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अगर यूनिक नहीं है तो फिर फिर भी इन स्टार्टअप सक्सेसफुल स्टार्टअप वो होती है जो अपने आइडिया को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं जि वेल यू एग्जीक्यूट द बेटर इट इज़ फॉर योर कंपनी तो इट्स ऑल डिपेंड्स कितना अच्छा आप लोग आइडिया एग्जीक्यूट करते हैं तो आइडिया पहले आपने इट ऑल स्टार्ट्स विद एन आइडिया फिर आप इंटरनल वैलिडेशन करते हैं कॉन्सेप्ट की आप जाके लोगों से बात करते हैं अपने को फाउंडर्स आपस में डिस्कस करते हैं कस्टमर्स पोटेंशियल कस्टमर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कस्टमर से बात करना कोई आप ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे कि जिसकी डिमांड ही नहीं है

अगर आप कॉन्सेप्ट वैलिडेशन या आइडिया वैलिडेशन की बात करते हैं ना तो उसमें अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स पे ना जाए या क्योंकि जाहिर सी बात है वो है वो बायस आ जाती उसमें तो आप उसमें yeah, exactly. ट्राई करेंगे कि अपने फ्रेंड्स के सेकंड ईयर में चले जाएं उसमें uh -huh. अगर आप जाते हैं और वहां से वैलिडेशन मिलती है तो वो दैट इज द क्योंकि उसके बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बहुत मुश्किल भी हो जाता है तो अगर आपको वैलिडेशन लेनी है तो सेकंड ईयर में चले जाए वहां से वैलिडेशन अगर आपको मिलती है तो इट इज मच बेटर की आप फिर आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं बिल्कुल राइट सो आइडिया को आपने जितने ज्यादा वेलीडेट करें और दिस शुड बी एन प्रोसेस कि ने इन प्रोडक्ट डेवलप करते करते भी अपने कस्टमर्स से बात नहीं छोड़े लेकिन स्टार्टअप वर्ल्ड में आजकल के कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में इट्स वेरी नेसेसरी कि आप मार्केट में जल्दी से कुछ दे दें राइट दैट इज कॉल्ड एन मिनिमम प्रोडक्ट मतलब कुछ कुछ आ जाए प्रैक्टिकली कॉल्डी आइडिया हो आइडिया इतना सही है रीजनेबल लग रहा है थोड़ी बहुत वेलीडेशन आपने की राइट क्विक डिजाइन आजकल बहुत सारे डिजाइन टूल्स हैं कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर नहीं है तब भी आप नो कोड प्रोग्रामिंग के थ्रू आप जो है वो अपने वेबसाइट बना सकते हैं और अपने आइडिया को लॉन्च कर सकते हैं पेमेंट इंटीग्रेशन से लेके सारी चीजें एक तरीके से नो कोड एल्गोरिथम्स के थ्रू आप कर सकते हैं तो आइडिया अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है तो अच्छी बात है या आपकी टीम में कोई अगर प्रोग्रामर है तो वेल एंड गुड लेकिन अगर नहीं भी है तो डजन मीन के आप बिल्कुल स्ट्रक हो गए। बहुत सारे अच्छा आई फाउंडर्स जैसे मेरा जो ट्वेंटी ईयर एक्सपीरियंस है आर्किटेक्चर so, स्पेस तो मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट के तौर पर काम करता हूँ आई पुट डिफरेंट पीसेस टुगेदर ऑफ़ द पजल

Right. पहले so, तो आपने अपना कॉन्सेप्ट कर रहे थे लोगों को आप बता रहे थे कि इस तरह अगर हो तो आप इंटरेस्टेड होंगे hmm. अब आप लोगों के पास जा रहे हैं देखो ये मैंने लॉन्च किया है इट्स नॉट अ वेरी फ्लैशी प्रोडक्ट बिल्कुल अभी फाइनलाइज नहीं है शायद वेबसाइट भी खूबसूरत ना हो hmm. लेकिन ये कोई ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर रही है जिस पेन पॉइंट hmm. के लिए आपने ये अपना आइडिया स्टार्ट किया था तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और फिर आप क्या करते हो कि आप वो वो फीडबैक लेके अपने अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइकिल में लेके चलते हो कि कस्टमर कहते हैं नहीं यार ये चीज़ अच्छी तो है लेकिन इससे मेरा ये चीज सॉल्व नहीं हो रही तो आप फिर देखते हो कि किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हो तो आप प्रोडक्ट को रिफाइन करते रहते हो रिफाइन करते रहते हो और एक स्टेज आता है कि आप समझते हो कि नाउ आई लाइक क्रैक इट के ये चीजें हाँ अब काम करेंगी तो मैं फिर अब सही इन्वेस्ट करूँ अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर

अच्छा अब स्टार्टअप के अंदर हमने देखा था कि इस पूरी जर्नी के अंदर आपको कहीं फंडिंग की जरूरत नहीं है अगर आप अगर आपका आइडिया इतना अच्छा है कि कस्टमर कहते हैं कि अब जैसे कैनवा की एग्जांपल ले लें कैनवा एक स्कूल टीचर ने स्टार्ट की थी बिल्कुल लेकिन आजकल आई मीन इट्स वेरी बिग कंपनी लेकिन उन्होंने खैर फंडिंग ली है दैट्स नॉट एन एग्जैक्ट लेकिन बहुत सारे फाउंडर्स कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि कंसल्टेंसी से स्टार्ट करते हैं कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट आते हैं बूथ बूथ hmm. स्ट्रैपिंग क्या होता है कि आप अपना खुद पैसा लगाते हैं आप hmm. लोगों ने तीन चार को फाउंडर्स है सब लोगों ने देखा कि अपनी ऑब्वियसली दे वर डूइंग अ डे जॉब और उसके बाद उन्होंने पूल ऑफ मनी पुट टुगेदर और फिर hmm. उन्होंने अपने पूरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट लॉन्च तक अपने पूरी बूट स्ट्रैपिंग की है लेकिन ऑब्वियसली आपके पास एक लिमिटेड फंड होंगे आपके पास आइडिया uh, अगर बहुत अच्छा है बहुत हाथों हाथ वाथ ले रहे हैं तो आपको मोनिटाइजेशन जो है जल्दी होगी और hmm. इतनी होगी कि आपकी जो ग्रोइंग जो स्केलेबिलिटी की जो कॉस्ट है

बहुत दफा ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और कॉम्पिटिटर्स कहा ये तो बहुत आइडिया लग रहे हैं मार्केट तो में बड़ी कंपनी है वो पैसा डालेगी अपने दस डेवलपर्स बिठाएगी और प्रोडक्ट खड़ी कर देगी अपनी सेल्स टीम डालेगी अपनी मार्केटिंग को डालेंगे और वो बजट उनके पास बहुत ज्यादा होता है वो जाके अपनी एड्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे मार्केट इस सबको रोकने के लिए यू यूनिट फंडिंग यू यूनिट टू बी वेरी क्विकली एजाइल बहुत तेजी से आपने अपने स्टार्टअप को लॉन्च करना है बहुत तेजी से कस्टमर को एक्वायर करना है और प्रूव करना है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट उसके हाँ। लिए फंडिंग फिर आपको चाहिए होती है है टू ग्रो क्विकली ठीक तो जिस हमने कहा पहला आइडिया स्टेज होता है जनरली एक फाउंडर होता है अच्छा फंडिंग जब हम रेस करते हैं तो उसके अंदर ये यह आपकी अपनी कंपनी है आपने फंडिंग रेज नहीं करी मोस्ट प्रॉबली आप अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि बहुत जल्दी उसकी अट्रैक्शन नहीं है यानी बहुत जल्दी कस्टमर्स को तो नहीं ले रहे तो फिर एक वक्त आएगा कि आपकी फंडिंग खत्म हो जाएगी तब आप तब आप कंपनी के सोल फाउंडर तो होंगे और पूरे हंड्रेड परसेंट शेयर होल्डर होंगे लेकिन वो कंपनी की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी और फिर अल्टीमेटली आपको करके खत्म करनी पड़ेगी तो उससे तो उस तो तो जब गूगल right. स्टार्ट हुई थे दोन परसेंट शेयर भी ना हो अल्फाबेट के अंदर लेकिन हुँ. वो इतनी वो जो वन परसेंट शेयर है वो इतना बड़ा है तो आइडिया स्टेज में आप नॉर्मली हंड्रेड परसेंट फाउंडर ओन कंपनी होती है mm -hmm. फिर हम आइडिया को कन्वर्ट करते हैं commitment में कि हाँ भाई अब बना रहे हैं कौन कौन है, कौन serious है आप है, आपने एक, है। एक को किया और आपने 50 -50 या uh, जिस तरह आपकी एग्रीमेंट है वैसे करते हो जनरली mm -hmm. दो तीन को फाउंडर्स होते हैं फिर आप जाते हो एफ 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 राउंड की तरफ एफ 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 इज लाइक फ्रेंड्स

फूल्स जो होते हैं कि आप किसी एक्सटर्नल फंडिंग के पास जाए I mean, आपके नोन होते हैं आपके काफी क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं उनके साथ दे तो तो सबसे पहले राउंड होता है एफ 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 का तो उसके अंदर जैसे फॉर एक्साम्पल फिफ्टी फिफ्टी परसेंट शेयर होल्डिंग थी तो अब आपने फाइव परसेंट जो है ना वो किसी आपके अंकल ने पैसे डाले आपके साथ तब आप दोनों की जो शेयर होल्डिंग है वो 50 से कम हो .5 हो क्योंकि आ, दिस स्टेज बाकी जो 75 आप की ट्रस्ट कर रहे हैं बाकी ट्वेंटी परसेंट आप ऑप्शन पूल में डाल देते हैं ठीक है इट्स नॉट स्ट्रक्चर जो है इट्स अडेप्टेबल कुछ लोग ऑप्शन पूल नहीं डालते लेकिन जब भी कोई एंजल्स या अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटलिस्ट आप इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो वो पहले से कहते हैं जैसे आप फ्यूचर में किसी सी मार्केटिंग ऑफिसर को लेकर शेयर देना चाह रहे हैं तो आप पहले से ऑप्शन हैं। हैं। उसके बाद फिर आप जाते हैं सीड राउंड की तरफ राउंड में क्या है कि आपने जो हम पिछले साइड में बात कर रहे थे बना लिया आपने मार्केट के अंदर वेलीडेशन कर लिया कुछ अर्ली स्टेज कस्टमर्स आपके पास आ गए आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट शो कर दिया कि भाई मेरी product और मेरी और के एक fit है फिर आप जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स की तरफ या early stage venture की तरफ जो कि आपको round में ना वो आपकी अर्जर कैपिटल एंजल्स इसीलिए कहते हैं कि दे आर एंजल्स लेकिन आजकल एंजल्स भी काफी होशियार हैं <laughs> दे लुक फॉर उनकी भी काफी due diligence होती है। इस वर्ड़ वर्ड़ का मुझे, मुझे समझ नहीं आता कभी एंजल इन्वेस्टर क्यों कहते हैं मतलब ये शुरू में जब ये जब ये स्टार्ट हुआ था ना शुरू में तो एंजल्स इन्वेस्टर्स वो होते थे जो कि आप पे मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फंडिंग एट दैट टाइम उसमें कुछ कंपनी कोई फिलेंस टाइप के लोग जिन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप काम कर रहे हैं अच्छा लग रहा है लेट्स इन्वेस्ट इन यू तो उन्होंने तो दैट इज वाई दे बिकम एन एंजल और साथ 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 एंजल क्या अच्छा। करते हैं अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग मनी वो आपकी कंपनी करते हैं मैंटरशिप देते हैं आपको अपने कॉन्टैक्ट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको इन्वेस्टिबल बनाते हैं आपको फीडबैक देते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है आपके प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप के एंजल्स होते हैं आजकल भी बहुत सारे एंजल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो ये सारे काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे बहुत सारे साइलेंट एंजल्स होते हैं लेकिन एंजल्स नॉर्मली जो है वो अर्लीस्ट उनका टिकट साइज जो टिकट साइज मतलब जो जितना वो इन्वेस्ट करते हैं वो टिपिकली छोटा होता है और वो उनकी ड्यू रिलीजेंस थोड़ी कम होती है दे ट्रस्ट यू और उनके ऊपर ना डिफरेंट स्कीम्स में उनको फायदा होता है अब जैसे यूके के अंदर कुछ सीट स्कीम्स हैं यूके गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि एस ई आई एस और ई आई एस स्कीम्स हैं कि अगर आप अर्ली स्टेज कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो तकरीबन फिफ्टी परसेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वो आप अपने टैक्स क्लेम के अंदर रिबेट के तौर तो पर ले सकते हैं तो अच्छा। आपका जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है जिस तरह ई आई एस स्कीम है यू के अंदर वो थर्टी परसेंट जो है ना वो आप वापस ले सकते हैं उसमें आपका कोई जितना अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने थाउजेंड पाउंड लगाया और वन लैख का एग्जिट ले लिया आपने तो पाउंड में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है और इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है तो बहुत सारी चीजें ना वो करने के लिए देते हैं हर नहीं। हर कंपनी अंदर ताकि दे स्टार्टअप इकोसिस्टम क्योंकि हुँ. उनके हिसाब से स्टार्टअप्स जो है ना वो एक एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है right. ठीक है अच्छा थीक at, थीक at this stage, अभी आप, जैसे को एक अंकल आ गए थे FFF round के ऑप्शन पूल हमने रखा हुआ था अब इंजर्स इन्वेस्टमेंट की तो आप देखें कि जो फाउंडर है उनका शेयर ना वो कम होते जा रहा है फिर आप वेंचर कैपिटल जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई आप योर शोइंग गुड रेवेन्यू अब डिफरेंट वेंचर कैपिटल होते हैं उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं कुछ जो होते हैं वो मंथली या एनुअल रिक्यरिंग रेवेन्यू के ऊपर फोकस करते हैं कुछ लोग टोटल रेवेन्यू के ऊपर फोकस करते हैं कुछ कैक एल टी वी रेशो के ऊपर फोकस करते हैं हर सब इंपॉर्टेंट और इस एट दिस स्टेज ना फाइनेंशियल मॉडल जो आपकी फाइनेंशियल स्क्रूटनी होती है ड्यू डिलीजेंस काफ़ी टफ हो जाती है तो आपकी कंपनी ऑबियसली अगर यहां तक सर्वाइव कर रही है तो अब hmm. अभी आपकी टीम भी बिल्ड हो चुकी होगी आपके पास अपार्ट फ्रॉम योर फाउंडर्स आपके पास कोई टेक्निकल हेड होगा कोई आपके hmm. पास फाइनेंस hmm. का हेड होगा या एटलीस्ट आपके कंपनी का स्ट्रक्चर आ गया होगा तो जो जो आप अपने स्टार्टअप जर्नी में इवॉल्व करते रहते हो आपकी टीम भी ग्रो करती है कंपनी ग्रो करती है रेवेन्यू बढ़ता है मोर इन्वेस्टर्स बिकम इंटरेस्टेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू रेज इन्वेस्टमेंट इज वेन यू डोंट नीड इट जब hmm. आपकी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि लोग ना खुद ही आपके पीछे आते हैं फिर के हम हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं दैट इज द बेस्ट टाइम टू टेक इन्वेस्टमेंट बिकॉज देन यू कैन टेक इन्वेस्टमेंट एट एट योर योर ओन ओन टर्म्स टर्म्स राइट वरना क्या होता है अभी एट दिस स्टेज अगर आप uh, कहते हो कि यार इन्वेस्ट करें तो देखो आप कम पैसों के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी का शेयर ले, ले लेंगे hmm. तो ट्राई टू रेज इन्वेस्टमेंट एज लेट एज यू कैन बाज दफा तो आपको जरूरत होती है कि आप बिल्कुल शुरू में कर लें हुँ. लेकिन ज्यादातर तो ये कहते हैं कि इफ़ यू कैन बूट ट्रैप अप टू एन एक्सटेंट डू दैट जितना ज्यादा आपकी कंपनी क्योंकि अभी आगे हम कवर करेंगे वैल्यूएशन वर्सेस कि आप कितना अपना स्टेक देते हो हुँ. तो जितनी लेट आप फंडिंग रेस करते हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में और कस्टमर और आपकी जर्नी के अंदर उतने कम अपनी कंपनी आप इक्विटी देके ज्यादा ज्यादा फंडिंग रेस कर सकते हो राइट ठीक है तो ये

एक लाख पाउंड सॉरी अगर वन मिलियन पाउंड रेस कर रहे हैं आपकी वैल्यूएशन फाइव मिलियन पाउंड तक तो पहुंच चुकी है तब वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वीसी अच्छा। क्या होते हैं क्योंकि उनकी उन उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनकी टीम बहुत ऑब्वियसली टीम का उनका एक्सपेंस होता है और वो बड़ी उनके टिकट साइज नॉर्मली जनरली बड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वीसी कुछ वीसीज होते हैं जो कि अर्ली वीसीज सीज के लाते हैं अर्ली स्टेज वीसीज वो आपके सीड राउंड में भी आ जाते हैं लेकिन टिपिकली जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना वो सीरीज ए से स्टार्ट होते हैं

इपटा कितना है और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है तो फॉर एग्जांपल आपने अज्यूम करो पे फिफ्टी थाउजेंड पाउंड रेस किए वो आपको ट्वेल्व मंथ्स के लिए काफी दें फिर आप इस स्टेज पे रहे हो कि आप जैसे ही आप टेंथ बंदे पहुंचते हो ना फिर आपको अगले फंडिंग राउंड के लिए रेडी होना पड़ता है कि वी हैव हैव टू 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 मूव वी रेज मोर कीप द कंपनी गोइंग क्योंकि आपने जो फिफ्टी थाउजेंड पाउंड थे उसके अंदर आपने तीन बंदे हायर कर लिए आपने मार्केटिंग के एड्स स्पेंड हो गए आपके सर्च इंजन ऑक्टोमाइजेशन में आपने कर दिया अब आप देख रहे हो पचास हजार से स्टार्ट करते हो फिर आप मे बी वन मिलियन पाउंड रेस कर रहे हो गे फिर आप टू मिलियन पाउंड रेस कर रहे हो साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जाती है शुरू में आपकी कंपनी की वैल्यू थी मे बी वन मिलियन टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी फिर कंपनी की वैल्यू बढ़ गई टू मिलियन चूं वैल्यूएशन कैसे वो भी हम कवर करेंगे कि वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन होती है लेकिन आइडिया ये है कि जितने ज्यादा आपके पास रेवेन्यू आ रहा होगा जितनी कंपनी परफॉर्म कर रही होगी जितने कस्टमर आप एक्वायर करो तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जाती है right. जितनी अब ये वही वाली बात हो गई कि आपका पाए का साइज जो हमने इस वाली स्लाइड में देखा था इसी में जो आपका जो पाए का साइज है वो बढ़ता जा रहा है Okay, आपकी कंपनी की बढ़ते जा रही है। आपका जो पाई का शेयर है वो कम होता तो जा रहा है लेकिन ओवरऑल इट्स स्टिल फॉर यू यस ओके ठीक है यहाँ तक के आप सीरीज ए फिर इसी तरह अगला राउंड कहलाते हैं सीरीज बी वो इस राउंड से बड़ा होगा बाज दफा क्या होता है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल या कोविड आ गया फॉर एग्जांपल या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो आपकी कंपनी ही परफॉर्म नहीं कर पा रही जैसे आपने कमिटमेंट की थी अपने, अपने जो स्टोरी टेलिंग की थी या जो आपने अपने इन्वेस्टर्स को कमिटमेंट किया था वैसे नहीं हो पा रहा तब बाजफा लेकिन आपको सस्टेन होने के लिए तब भी आपको सीरीज बी फंडिंग करनी पड़ेगी मे बी एज अ डाउन वैल्यूएशन कि पहले अगर आपने फाइव मिलियन वैल्यूएशन पे की थी अब शायद आप फोर मिलियन पे कर रहे हो क्योंकि आपको पैसे तो चाहिए ना कंपनी चलाने के लिए हम्म अच्छा इसकी एग्जांपल मेरे ख्याल से आई डोंट नो इफ यू नो दिस कंपनी एयर लिफ्ट के नाम से जिसने पाकिस्तान की सबसे हाँ, बड़ी वैल्यूएशन uh, ली थी और उसके बाद आई थिंक उसकी आई डोंट नो व्हिच राउंड इट 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 वेंट इनटू उसके बाद उसकी फंडिंग ड्राई अप हो गई थी क्योंकि वो वैसे भी थोड़ा सा फंडिंग के अंदर ये जो वीसीज की फंडिंग थी वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है तो वो वो तो वो 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 फिर हो गई थी 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 उसके बाद से अंदर ही हुआ था लेकिन उसमें ये मुझे पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के अलावा साउथ अफ्रीकन मार्केट के अंदर भी right. अपने कदम जमाने शुरू किए थे लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए तो उसके ये है कि अगर आप अब यू हैव टू बी वेरी ऑब्वियसली ग्रोथ एक चीज है लेकिन ये hmm. hmm. uh, तो होता है, कि स्टीरीज बी, स्टीरीज हो सकते है आपको पे पड़े, और अगर फंडिंग रेज नहीं कर पा रहे आप स्टार्टअपली अल्टीमेटली hmm. hmm. so, hmm. जो सब लोग जो भी इन्वेस्ट कर रहे होगा इंक्लूडिंग योर फाउंडर्स अपू योर सीरीज एक्स इन्वेस्टर्स uh, वो सब क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि उनको कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले hmm. तो द द टर्म वी कंपनी सब एग्जिट कब करते हो दैट इज वेयर दे आर एबल टू गेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्योंकि या आप इसको पब्लिक आईपीओ को ले जाए स्टॉक मार्केट के अंदर ले जाए क्योंकि अभी तक जो हमारी बात हो रही है ये सब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है ना ये आपकी प्राइवेट कंपनी है अभी hmm. तक वो पब्लिक नहीं है तो पब्लिक इसमें नहीं खरीद सकती uh, क्राउड फंडिंग एक रूट है वो चीज आप कर सकते हो लेकिन इट इज नॉट अ पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी इट्स अ प्राइवेट कंपनी कम्पनी या अच्छा। तो आप एग्जिट करो एग्जिट मतलब हा, कोई हा। और कंपनी आपको खरीद ले हुँ। या आप स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हो जाओ तो दैट इज कॉल्ड एन आईपीओ सो दैट इज हाउ द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल अगर आपने वन मिलियन वैल्यूएशन पे शुरू में कंपनी से उठाए थे किसी ने अगर 10000 लगाए और अगर आप एग्जिट करते हो 15 मिलियन पे तो उसके 10000 जो है वो 15 टाइम्स बढ़ जाएंगे Right. So right. so that is why it's a very high reward uh, stuff mm -hmm. as well. Magar utnahi high risk as well.

नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट जब भी आप अपने स्टार्टअप पे रेस कर रहे होते हो तो आपको कितनी जैसे मैं पिछले स्लाइड में देखा कि अगर आप दो दो फाउंडर्स हो एक फाउंडर है तो कितने परसेंट इक्विटी आपके पास है हुँ. तो ये ये स्लाइड ये बता रही है कि आप जब सीड स्टेज पे होते हो या प्री रेवेन्यू होते हो नाउ दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू द यूके मार्केट यूएसए मार्केट के अंदर जो सिलिकॉन uh, वैली जो फेमस है उसके अंदर काफी बड़ी वेल्यूशन होती हैं लेकिन यूके मार्केट के अंदर ऑब्वियसली दुबई मार्केट या पाकिस्तान मार्केट विल बी टोटली डिफरेंट लेकिन yes. नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप बूथ स्ट्रैप स्टेज पे होते हैं यानी आपने खुद फंडिंग की भी होती है या आपने hmm. कोई एक्सेलरेटर्स एक्सेलरेटर्स वो कंपनीज होती हैं जो कि आपको फंड रेजिंग के लिए तैयार करती हैं हाउ टू बी मोर इन्वेस्टेबल क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं पिच पिचटेक क्या होता है बिजनेस मॉडल क्या होता है आपने इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करना है टर्म शीट क्या होती है और डिफरेंट ग्रांट्स uh, पे कैसे आपने जाना है कौन कौन से रूट्स लेने हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट जो हमने सारी बातें की आई मीन मोस्ट ऑफ देम टॉट मैंने दो एक्सीटर्स uh, दो से तीन एक्सीटर्स पे मैंने मैंने अटेंड किए हैं कैम्रिज यूनिवर्सिटी एक्सीटर्स था बाकलेस ईगल लैब्स कैपिटल एंटरप्राइज का एक्सीटर था फिर एक फोकस फॉर बिजनेस एक यहाँ एक्सीटर है और यूके बेस्ड और आजकल मैं एक सेट के इनक्यूबेटर में काम आई मीन आई एम वो एसोसिएटेड विद देम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरे और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल वगैरह के साथ एसोसिएटेड है तो एक्सीटर्स में क्या फ़ायदा होता है कि वो आपको इन्वेस्टिबल भी बनाते हैं प्लस वो आपको नए रूट्स देते हैं कि आप किस वो आपको नए मैंटो इंट्रोड्यूस कराएंगे

He is doing uh, his uh, day job job at the same time 9 to 5 9 to 5 तो uh, hustling करनी पड़ती है और जो लोग कहते हैं कि यार हम कैसे पैसे कमा सकते हैं तो यार hustling के बगैर पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप कहीं कही nine to five कर रहे, हैं और उसको छोड़ना लग रहे है, तो आपको फिर अपना दिन रात एक करना पड़ेगा और रात रात हो exactly. जाती है और वो फिर ये ये चीजें फिर चल रही होती है तो इसलिए देर इज नो शॉर्टकट और देर इज नो शॉर्ट वे आउट और उसमें पूरा का पूरा जो है ना आपको अपना टाइम जरूर देना पड़ेगा ठीक है आप क्रिप्टो के अंदर डाल कर उसको अपना टेनेक्स कर सकते हैं लेकिन वो एक तरह से गैम्बल है और वो कभी लग गया तो लग गया नहीं लगा तो फिर आप बस उसको रोते रहेंगे फिर यही काम करते रहेंगे अच्छा एक दफा बाई दफे लग गया ना तो वो फिर आपको लत भी लग जाएगी तो वो आप आपको लगेगा हर दफा वो चीज होती है तो वो भी एक मसला है तो ये चीजें जो है ना कैबियट के साथ आती है कि आ, किसी चीज में इस तरह से आपको छक्के लगते हैं ना तो ऐसा नहीं होता हर चीज के लिए अपना ड्यू डिलीजेंस होती है टाइम टाइम रिक्वायर्ड होता है

ठीक किचन आपका जैसे हमारे पास ट्वेंटी hmm. uh, हम, हमने दुनिया देखी है तो हमें पता है कि किस तरह काम होता है और hmm. जिस तरह आप बता रहे हो कोई शॉर्टकट नहीं है तो आई hmm. मीन I mean, वो थोड़े से जो यंग फाउंडर्स होते हैं वो थोड़ा लैक करते हैं लेकिन आई मीन इट्स इट ड मीन वो सक्सेसफुल नहीं होते इनफैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो ऐसे लोगों को भी प्रेफर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आई मीन होता है लेकिन हाँ इट्स नॉट इजी और आपके हर चीज़ के साथ एसोसिएटेड रिस्क होते हैं अच्छा कमिंग तो ये बैठ के आपने शुरू में जितना खुद आप काम कर सकते हो विदाउट टेकिंग एक्सटर्नल फंडिंग उतना बेटर है उसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग बूट पे नॉर्मली जो कंपनी की वैल्यूएशन होती है वो तकरीबन 0.5 से 1.5 मिलियन होती है क्योंकि आपने अभी तक आपने एक्सिलेटर्स में काम में हो रहे होते हो आइडिया को वैलिडेट कर रहे होते हो मे भी आपने अपना एम लॉन्च कर लिया है लेकिन कोई खास प्रोडक्ट ट्रैक्शन नहीं है फिर आप जाते हो सीड स्टेज की तरफ जब आप सीड इन्वेस्टमेंट करते हो तो जनरली इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो 15 से 20 परसेंट ले इक्विटी ले लेते हैं आपसे जब भी आप रेस करते हो जैसे आजकल हम लोग रेस कर रहे हैं देन वी आर वी वी आर पोस्ट एमवीपी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च है ट्रैक्शन है जून में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो अभी हमारे पास ट्रैक्शन है थोड़ा रेवेन्यू है तो so, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन अभी मिलियन पाउंड है right. और हम अभी, uh, uh, so, okay. अभी right. उसमें right. हमारा ऑप्शन पूल जो है वो थ्री परसेंट है इट डिपेंड्स कि आपने uh, कितना रखते हो ऑप्शन पूल लेकिन ऑप्शन पूल अच्छा फिर आप क्या करते हो फिर आपकी कंपनी ग्रो होनी शुरू होती है प्रोडक्ट ट्रैक्शन ज़्यादा आती है आपकी कंपनी की वेल्यूशन बढ़ती जाती है आ, फिर अगर आप सीरीज ए की तरफ जाते हो अब जितने ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो वो ज्यादातर इक्विटी लेते हैं तो सीरीज ए में टिपिकल जो है इन्वेस्टर्स ट्वेंटी से ट्वेंटी इक्विटी लेते हैं नहीं। नहीं। उस वक्त आपकी कंपनी एनी फ्रॉम फ्राम फोर मिलियन फाइव मिलियन पाउंड तक हो सकती है डिपेंड ऑन आप फिनटेक के अंदर हो आप लीगल टेक के अंदर हो आप इंश्योर टेक में हो सैस हो क्या हो हर एक की डिफरेंट होती है डीप टेक जो होती है कि आप फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज्यादा डीप साइंस के अंदर काम कर रहे हो अपना कोई रॉकेट बना रहे हो या अपनी कोई खास ड्राइवरलेस कार की कोई चिपसेट बना रहे हो इट्स लाइक डीप टेक उसके अंदर डिफरेंट uh, थोड़ी सी फंडिंग डिफिकल्ट भी होती है एक्वायर करना क्योंकि उसमें अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है आपके आर एंड डी के अंदर ही जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइकिल होती है वो काफी बड़ी होती है और फिर आपकी जो कस्टमर एक्विजिशन होती है आपकी जो लाइफ साइकिल ना बहुत बड़ी हो जाती है कस्टमर की तो उसकी डिफरेंट डायनेमिक्स हैं कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि सिर्फ वो डीप टेक पे काम करते हैं कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो डीप टेक को हाथ ही नहीं लगाते ऑल डिपेंड ऑन अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि यू हैव टू किस मैनी फ्रॉग्स वाइल रेजिंग इन्वेस्टमेंट यानी आपने बहुत सारे जो है ना लोगों को अप्रोच करना है 300, 400 इन्वेस्टर्स को आप रेस कर दो तो एक या दो में आप इन्वेस्टमेंट रेस कर पाते हो तो हम कहते हैं यू हैव टू किस मेनी फ्रॉग्स Uh, लेकिन उसमें ये होता है कि डज इन मीन दैट समथिंग रॉन्ग इज विथ यू इट माइट बी दैट दैट hmm. इन्वेस्ट, इन्वेस्टर इज नॉट राइट फॉर यू क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के प्रोफाइल और क्राइटेरिया डिफरेंट होता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये हम हल्का सा कवर कर चुके हैं लेकिन इन अ डिफरेंट एंगल के जब आप शुरू में स्टार्टअप होते हो तो आपके पास इन्वेस्टर्स किस तरह के होते हैं आपके पास शुरू में यूनिवर्सिटी की आर एंड डी ग्राउंड होती हैं उनके थ्रू आप काम कर सकते हो फ्रेंड्स एंड फैमिली का रूट होता है एक्सेलरेटर्स कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके कुछ पिच कॉम्पिटिशन होते हैं अगर आपने उनमें सक्सेसफुल हो जाए तो वो टेन थाउजेंड पाउंड से फिफ्टी थाउजेंड पाउंड तक इन्वेस्ट करते हैं आपने लेकिन याद रखिए कि शुरू में आपकी इक्विटी बहुत ज्यादा जाती है अगर आप बहुत शुरू स्टेज में यूज करते हो फंडिंग इन्वेस्टमेंट रेस करते हो ठीक है फिर आपके पास क्राउड फंडिंग होती है एंजल्स कैन बी एनी वे फ्राम स्टार्टअप टू अर्ली स्टेज जहाँ पे जब आपके पास अर्ली स्टेज आ जाता है आप यहाँ पे प्रोडक्ट आपकी ट्रैक्शन हो गई यू के अंदर यूके यूके के अंदर हमारी स्कीम होती है एस ई आई एस सीट एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम शायद कहलाती है और ई आई एस स्कीम होती है उसमें तकरीबन वन फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड के तक लोग रेस करते हैं टिपिकल टिकट साइज टिकट साइज ये होता है वन, है अच्छा, है कि कि या इतनी होती से के अच्छा इसमें कुछ पाकिस्तान क्या है है पर कुछ इसका पाकिस्तान का मुझे ज़्यादा नहीं पता अच्छा, लेकिन टू इयर्स जो, जो, जो पाकिस्तान मार्केट ने परफॉर्म किया था जो हाईएस्ट आई थिंक थ्री हंड्रेड मिलियन लिफ्ट की थी तो उसमें थ्रेश डिफरेंट होंगे uh, और वो भी होगा कि आप जब लॉन्च करते हो आप कौन सी सिटी में लॉन्च कर रहे कि नहीं। बड़ी है ना। नहीं। तो हो तरफ जाते हो आपकी सीट स्टेज आ गए आ गए और फिर बिग वी सी होते हैं अल्टीमेटली वो उनके टिकट साइज भी बड़े होते हैं आप तकरीबन फाइव मिलियन पाउंड तक रेस करते हो फिर आप एक चीज होती है बैंक का डेप्ट आपके पास जो है डेप्ट फाइनेंसिंग भी आ जाती है क्योंकि okay? हम अभी जो बात कर रहे हैं स्टार्टअप में स्टार्टअप के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इक्विटी उनके पास इक्विटी होती है ना कि वो फंडिंग रेस करनी है तो यार तुम थोड़ा शेयर तुम ले लो तुम थोड़ा शेयर तुम ले लो बैंक के पास जाओगे तो बैंक गारंटी मांगता है आपके पास क्या है देने को अगर आप लेट स्टेज में कंपनी जब अभी ग्रो कर रही होती है तब आपके पास और इन्वेस्टमेंट्स के रूट्स खुल जाते हैं जिसके अंदर हेच फंडिंग आ जाती है

हाँ वो, अब ओब्वियसली वो अपना भी तो हाँ, कमाएंगे वो उनका भी इंटरेस्ट हाँ, होता है sorry. वो कहते हैं कि उनकी शायद कमीशन है या इंटरेस्ट है भी हाँ, उसको भी है उसको जो भी ठीक अच्छा लाइकवाइज ये भी ये भी एक अनदर वे है कि शुरू में आपके पास क्या होता है कैपिटल कम होता है और सपोर्ट भी कम होती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली या ग्रांट फंडिंग में क्या होता है वो आपको कैपिटल दे देते हैं लेकिन सपोर्ट कम देते हैं जबकि इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं Likewise, इसी low capital के, uh, quadrant के लेकिन वो आपको सपोर्ट ज्यादा करते हैं टिकट right. uh, से तो जो वेंचर hmm. डेप्टि आपने बैंक से लोन लिया या रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग पाइप जो मैंने एग्जाम्पल बताई hmm. वो आपको सपोर्ट कम करेंगे लेकिन कैपिटल ज्यादा दे देंगे लाइक वाइज एंजल फंडिंग जो है वो हाई सपोर्ट और हाई कैपिटल आ जाता है तो hmm. जो जो फिर आप वेंचर की तरफ जाते हैं ना वी सीज है न, इज़ इन इंटरेस्ट आप सक्सेसफुल हो hmm. और कैपिटल भी ज़्यादा डालते हो तो जैसे बहुत बड़ा एक का, वो है, वी है। थीज़िये। 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 like लेकिन वो वीसी रेंज में इस तरीके से फाउंडर इंस्टीट्यूट है बहुत सारी चीजें हैं जो कि बड़े बड़े वेंचर हैं जो कि आपको सपोर्ट भी करते हैं और फिर इन्वेस्ट भी करते हैं ठीक है अब हम आ जाते हैं इसमें हमने सारी चीजें तकरीबन कवर कर ली ग्रांट फंडिंग आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर भी काफी ग्रांट्स आती हैं गवर्नमेंट की या प्राइवेट ग्रांट्स आती हैं यूके uh, के अंदर यूके इनोवेट एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपटीशनस रेस करती है बहुत बहुत टफ कंपटीशन होता है क्योंकि खासतौर पे कोविड में जो है वो फंडिंग लेना बहुत मुश्किल था तो इट वाज वेरी हाइली कॉम्पिटिटिव एट दैट टाइम अभी भी कुछ सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांड फंडिंग कॉम्पिटिशन आते हैं कुछ जनरल uh, होते हैं जो कि हाईली कॉम्पिटेटिव होते हैं पाकिस्तान में मुझे मालूम है कुछ दोस्तों के साथ मैंने काम किया था फंडिंग लेने के लिए तो वहाँ के अंदर भी तो कि अगर आप हेल्थ टेक या मेड टेक के अंदर काम कर रहे हो तो कुछ स्पेसिफिक फंडिंग होती है। so हैं तो यू नीड टू कीप एन आई ओपन क्योंकि ग्रांड फंडिंग का फायदा ही होता है कि इट्स लाइक फ्री फ्री मनी इन अ वे कि आपने अपनी कोई एक्विटी नहीं देनी पड़ती इट इज लाइक अ ग्रांट और और लोग ग्रांट भी देते हैं प्राइवेट कंपनी भी ग्रांट देती हैं क्योंकि वो कुछ अच्छा करना चाहती हैं या भी होती है उनकी नाम नाम की होती है है भी होता है और फिर आप जो चीज डेवलप कर रहे होते हो वो आगे उनके काम भी आएगी लाइक वाइज गवर्नमेंट को इको अपना बढ़ाना होता है तो उसमें करते हैं ओके क्राउड फंडिंग के अगर हम आ जाए तो क्राउड फंडिंग के जिसमें प्रॉपर्टी मार्केट की आपने एग्जाम्पल दी थी बोली तो इसमें यही होता है कि हम और सब सब लोग मिलकर क्राउड मिलकर आप इन्वेस्ट करते हो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है जैसे कोई एक लाख पाउंड रेस कर रही है तो उसके अंदर था तो वो मैंने कहा वो भी बता दू की क्राउड फंडिंग के अंदर बड़ा आप छोटे फंड से बहुत ज्यादा उसमें फायदा ले सकते हैं अगर आपको किसी को दुबई की प्रॉपर्टी में एक्सपोजर लेना है तो वो आपके पास लेट से लेट से वो पांच लाख की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते आपके पास लेट से पांच है तो पांच में एटलीस्ट एक आप एक्सपोजर ले सकते हैं उसका उसका तो तो रेंट भी, भी मिल सकता है और उसमें अगर अपसाइड आता है उस प्रॉपर्टी के अंदर तो आप उसके अंदर वो आपको वही एक्सपोजर एक्जैक्टली वैसे ही मिलेगा तो वो क्राउड फंडिंग बहुत जबरदस्त चीज है मेरे ख्याल से लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये होती है कि वो थोड़ा सा लिगैलिटीज का और जो उसके अराउंड काम होता है ना क्योंकि ए वगैरह जो वहां पर है वो बहुत सारी चीज़ों को गवर्न करती है कर नहीं करती है तो ये बड़ा ऐसी जगह पे जहाँ पर आपकी अथॉरिटीज अच्छी हैं वो तो सही है लेकिन अगर तो, उस मुल्क में जहाँ पर अथॉरिटीज का प्रॉब्लम है वो उस, उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती तो वहां थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है अच्छा लेकिन क्राउड फंडिंग के अंदर आप अब आई डोंट नो दुबई मार्केट के अंदर आप बता रहे हो तो वहाँ पे कोई जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया हो फिर आप उसको एग्जिट करना चाह रहे हो तो उसमें आप प्राइवेट सेल कर सकते हो अपने शेयर अच्छा मैं उसमें बता दूं थोड़ा सा कि क्राउड फंडिंग के को जो है ना जैसे लेट से मैं इसकी बात कर रहा था स्मार्ट क्राउड या गेट सिक तरह की जो कंपनीज है जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है तो उसमें आप पहले नहीं कर सकते थे पहले उसमें क्या होता था कि वो आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर लेट से मैंने आज कोई शेयर ले लिया तो अब वो मेरे पास है क्योंकि प्रॉपर्टी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है स्टॉक्स तो है नहीं कि वो आज आपने लिया और कल आप सेल कर दें तो प्रॉपर्टी और वो बाय बाय अथॉरिटीज बाय रेगुलेटर भी इस तरह अलाउ नहीं है कि आप उसको एज अ पब्लिक लिस्टेड स्टॉक्स को तरह यूज करें पहले क्या होता था कि आपने एक दफा ले लिया लेट से आपने पांच हजार की इन्वेस्टमेंट कर दी एक किसी भी बिल्डिंग के अंदर अब आपको अगर वो डाइवर्स करना है तो आपको उन्हीं शेयर होल्डर्स को बेचना पड़ेगी वो और उसके अंदर किसी ने आपकी बिड पे लबैक कहा तो ठीक है वरना आप जो है उसके अंदर फंस जाएंगे लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि आप एक प्लेटफॉर्म दे दिया हर सिक्स मंथ्स बाद आपकी प्रॉपर्टी की इवेल्युएशन होगी उस इवेलुएशन की बेसिस के ऊपर जो भी उसकी कॉस्ट आती है लेट से आपने पांच हजार दर की इन्वेस्टमेंट की थी और छह महीने बाद उसकी एक साल के पीरियड बाद आप उसको सेल आउट कर सकते हैं क्योंकि वो इट मेक सेंस कि आप उसमें टाइम लगाएं क्योंकि वंस आप एक दफा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो कवर होते होते एक साल तो एटलीस्ट लगता ही है उसको तो अनलेस एन बहुत ज्यादा कोई उसमें अप्रिसिएशन आ जाए तो अगर फर्ज करें आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है पांच हजार और एक साल बाद आपको लगता है कि यार वो पांच हजार से लट से छह हजार पे चली गई उसकी वैल्युएशन तो वो करेंगे ये छह हजार दरम पे आपको कहेंगे कि आप उसको बिट कर सकते हैं उसमें आप अपनी तरफ से आप कितने डेस्परेट हैं या डेस्परेट नहीं है प्लस माइनस करके आप अपनी बिट डाल सकते हैं तो कोई और okay. बंदा थर्ड पार्टी आकर खरीदना चाहे तो वो okay. है ओके यूकी ये, ये, तो okay. okay. यू, ये वाली जो कंपनी थे ये यूके स्पेसिफिक है काफी okay. तो उसमें सीडर्स या क्राउड क्यूब काफी फेमस है okay. इसमें यही करते हैं कि आप जैसे अपनी जो इन्वेस्टमेंट आप रेस कर रहे होते हैं और उसमें आप अपने पिच डालें आप क्राउड इन प्लेटफॉर्म में और फिर लोग जो है वो एक्सपोजर ले सकते हैं लेकिन उसमें ये होता है कि जो शेयर्स होते हैं फिर वो लोगों के नाम नहीं होते है, वो दरमियान में इंटरमीडिएटरी या सीडर्स या क्राउड क्यूब उप नाम की कंपनी बीच में होगी तो जो आप कंपनी हाउस में जाके आप share... क्योंकि यूके में तो हर चीज ट्रांसपेरेंट है यू सिंपली गो टू कंपनी पूरी शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर कितना पैरे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह सब अवेलेबल है तो आप किसी भी कंपनी की ड्यू रिलीजेंस बहुत ईजिल कर सकते हैं तो लेकिन ये होता है कि अगर आप सीडर्स या क्राउड फंडिंग के थ्रू करते हो तो आपका नाम नहीं आएगा इन शेयर होल्डिंग हाँ अगर mm -hmm. आप एज एन एंजल एंजल इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर uh, एग्जांपल अगर हम टू के पाउंड रेस कर रहे हैं किसी ने अगर 20,000 पाउंड इन्वेस्ट किए तो उनका बकायदा नाम उन एज अ शेयर होल्डर कंपनी हाउस में रजिस्टर होता है तो आई मीन डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स लेकिन जनरली क्राउड फंडिंग एज अ गुड एवेन्यू फॉर पीपल टू गेट स्टार्ट टू गेट स्टार्टर टेस्ट ऑफ स्टार्टअप ओके ठीक है इनवेस्टेबिलिटी क्या चीज होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स देखते हैं आ, गेजिंग एनी कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें ना करें जनरली अगर आपका बिजनेस मॉडल स्केलेबल है आपकी यूनिट hmm. एक टर्म होती है कि आपका इज व कॉस्टर वन कस्टमर फॉर एग्जाम्पल यूनिट इकोनॉमिक क्या है आपने कोई चीज जो है वो इतने की खरीदी इतने के बेचते हो तो एक चीज के कितना प्रॉफिट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी hmm. hmm. profit, के बात क्या है आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है अच्छा पहले लोग थे होते थे वो यूनिकॉर्न की तरफ देखते थे कि यूनिकॉर्स जो होते हैं जो भी स्टार्टअप करेगा तो वो यूनिकॉर्न बन जाएगा आज कल लोगों के माइंड सेट चेंज हुआ है कि सौ में से कोई एक या दो ही यूनिकॉन बनते हैं कितने की जो वेल्यूशन होती है लेकिन इन बिटवीन फेल्ड स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न आई थिंक एक आगे स्लाइड है कि जो वेंचर जो भी वी होते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं दे नो के दस में से कोई एक ही या सौ में से कोई एक ही यूनिकॉर्न निकलेगा बाकी हमारी सिक्सटी परसेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो फेल होंगी लेकिन हुँ. जो दरमियान की जो बाकी कंपनी जो बचती हैं वो अगर थ्री टाइम्स फाइव टाइम्स टेन टाइम्स जो आ, आ, दे दे है रेवेन्यू हमें रिटर्न देती है उनका हुँ. पूरा एक बट so well. हम, हम आपको कुछ चार्था। देखे जाएंगे जाएं। ठीक so है तो फिर वो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स देखते हैं कि उनकी डील टर्म्स क्या है या एक टर्म होती है कॉल्ड टर्म शीट Hmm. कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट रेस करते हो ना तो आपके जो भी टर्म्स होते हैं कि आप कितने परसेंट पे रेस कर रहे हो क्या वेस्टिंग शेड्यूल है और कि, किस तरह पुराने फाउंडर पुराने जो शेयर होल्डर्स है वो क्या क्या कर सकते हैं क्या वोटिंग राइट्स होंगे ये सारी चीजें ना टर्म शीट के अंदर कैप्चर होती हैं तो hmm. एक टर्म शीट डॉक्यूमेंट साइन होता है और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हो देन देन यू द फाउंडर्स रिसीव द मनी इन द बैंक अकाउंट राइट ओके आप इन्वेस्टर्स देखते हैं कि फाउंडिंग टीम कितनी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए प्रोडक्ट मैटर जितना अच्छा फाउंडर होगा जितना पुराना एक्सपीरियंस होगा स्टार्टअप का उनके लिए वही काफी है राइट right? इस हैं हर इन्वेस्टर डिफरेंट चीजें देखते हैं लेकिन इन जनरल अगर आप मोस्ट ऑफ दीजें इसको टिक कर लेते हो, हाँ आपका भी इन्वेस्टेबल नहीं हो कि आपकी जो है ना सेल्स साइकिल बहुत लॉन्ग है या आपकी जो जो आई डोंट नो तुम्हें पता है नहीं पता कि मार्केट साइज मार्केट साइज को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं एक होता है टैम टोटल एड्रेसेबल मार्केट मेरे जो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में सेल आउट हो सकता है राइट इट इज अ टोटल एड्रेसेबल मार्केट लेकिन मैं एक स्टार्टअप हूं तो मैं मेरे लिए ये ठीक है मेरी प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल लिगेटिका है लेगैटिका जो है वो यूजर्स को लॉयर्स को आपस में मिलाती है तो ये तो पूरी दुनिया में यूज हो सकती है लेकिन मैं पूरी दुनिया को टारगेट शुरू में तो नहीं कर सकता ना हाँ मेरी टोटल एड्रेसेबल मार्केट ये है तो मेरी टोटल मार्केट ये है लेकिन फिर एक टर्म आती है टोटल ऑप्टेनेबल मार्केट तो मेरी उसमें से अगर फॉर एग्जांपल इतने लोग हैं तो उनमें से कितने लोगों को मैं सर्व कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे जो लॉयर हमारे जो अनबोर्डेड लॉयर्स हैं अगर वो स्टार्टअप के अंदर काम करते हैं या कॉपोरेट या लिटिगेशन काम करते हैं या फैमिली लॉ में काम करते हैं या इमिग्रेशन लॉ में काम करते हैं तो वो एक सबसेट ऑफ लॉ है तो पूरी अगर हंड्रेड परसेंट जो टोटल एडजस्टेबल मार्केट है उसके अंदर मे बी थर्टी परसेंट मेरी टोटल ऑप्टेनेबल मार्केट होगी Hmm. उस टोटल ऑप्टेनेबल मार्केट में भी मैं मैं जो है सिर्फ यूके में यूएसए में कनाडा में न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया में या दुबई में लॉन्च करना चाहता हूँ तो दैट बिकम्स माय सर्विसेबल ऑप्टेनेबल मार्केट सॉम तो ये जब भी आप मार्केट साइज डिफाइन करते हैं ना तो टैम टॉम सॉम का या सैम सर्विस सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है लेकिन right. आपको ये बताना पड़ता है कि आपने ड्यू डिलीजेंस की हुई है ये तो नहीं कि आपने हवा में बातें कर दी कि भाई मैं लॉन्च करूंगा और दुनिया पागल हो जाएगी तो यू हैव टू डू सम रिसर्च कि आपकी एड्रेसेबल मार्केट कितनी है और किस तरीके से आप इसको लेके जाओगे ये पूरी फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर आती है ठीक right. है okay. uh, कुछ इन्वेस्टर्स uh, कुछ ऐसे होते हैं कि अगर फाउंडर्स ने कुछ अपने पैसे नहीं लगाया होता या अपने उनके पास कोई शेयर्स नहीं होते तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते hmm. uh, कि फिफ्टी परसेंट कंपनी जो है वो मेरे अंकल ने, अंकल ने की है उसने पैसे लगाए मैंने कोई पैसे नहीं लगाए hmm. या hmm. कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेप्ट है तो hmm. वो भी एक प्रॉब्लम होती है तो यू हैव टू बी श्योर कि आप लेफ्ट साइड पर लाए कर रहे हो ताकि आपकी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी हो चार से सात साल के अंदर टिपिकली एक जर्नी होती है स्टार्टअप की आप एग्जिट करके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहे होते हो तो हम जो अभी टेस्ट डिस्कस कर रहे थे ऑफ और सक्सेस तो हंड्रेड परसेंट किसी ने अगर टू फिफ्टी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो सिक्स आउट ऑफ टेन लूज द मनी यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है दे विल जस्ट गो बस्ट आउट ऑफ टेन यानी थर्टी परसेंट कंपनीज कुछ आपको प्रॉफिटेबिलिटी देंगी तो सिक्सटी परसेंट तो चली गई थर्टी परसेंट ने उनमें से भी कुछ कंपनीज है जो कि अच्छा प्रॉफिट देंगी ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऐसी हैं जिन्होंने

I mean, आजकल का का है 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 लेकिन लेकिन आप के उसमें कर सकते हो क्या जो 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 होते ना, जो, होम रन जो हैं हैं ना कहलाते वो कुछ एक ही होता है। सौ में से एक होगा या हजार में से चार ही होगा अब शायद इनके रेट्स थोड़े बढ़ गए जो है काफी अच्छी कंपनीज चली हैं लेकिन उतनी ही बेताशा फेल भी हुई है तो Right. Okay. Founders, uh, जो companies होती है, वो fail होती वो क्यों उसमें वही जो हमने शुरू में बात की थी कि अगर आपके पास मार्केट में नीड ही नहीं है आपने अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से आइडिया को वैलिडेट ही नहीं किया right. आपने प्रोडक्ट तो बना दिया लॉन्च कर दिया लेकिन मार्केट में नीड नहीं थी hmm. या आप रन आउट ऑफ कैश आई थिंक जो एयरलिफ्ट के साथ हुआ है hmm. कि यू वर नॉट द राइट टीम आपके पास स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे आप सब या तो टेक्निकल को फाउंडर्स है या आप सारे नॉन टेक्निकल थे hmm. या आपने सही टीम नहीं बनाई आपने अपनी टीम okay. को सही इवॉल्व नहीं किया राइट गेट यू गॉट आउट कंपीटीटड यानी आपने Amazon ने देखा कि भाई ये तो अच्छी प्रोडक्ट है व्हाई डोंट वी लॉन्च अ ओन प्रोडक्ट आप अमेजोन से माइक्रोसॉफ्ट से कैसे कम्पीट करोगे तो यू जस्ट यूजस्ट आउट कम्पीटेड या कोई और स्टार्टअप था जिनकी बहुत एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी उन्होंने आपको कर दिया एग्जैक्टली प्राइस प्राइसिंग कॉस्ट इश्यूज यानी आपकी आपको मार्केट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट को काफी लो प्राइस में बेचना पड़ा लेकिन आपके कॉस्ट बहुत ज्यादा थे तो अल्टीमेटली यू जस्ट रैन आउट ऑफ कैश ठीक है यूजर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट यानी आपकी जो यूजर एक्सपीरियंस uh, था यूजर इंटरेक्शन था वो इतना अच्छा नहीं था तो यूजर को समझ नहीं आया कि प्रोडक्ट अच्छी थी मार्केट में डिमांड भी थी लेकिन आपने अच्छी अवेल नहीं किया ठीक है प्रोडक्ट विदाउट अ बिजनेस मॉडल आपका जो है बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं था या सब yeah, कुछ अच्छा है लेकिन आप बेचने में अच्छे नहीं थे यू वर नॉट अ गुड सेल्स पर्सन या आपकी जो मार्केटिंग एफर्ट्स थी वो बिल्कुल बेकार थी अब फॉर एग्जांपल अगर लोगों ने सर्च किया आप गूगल के अंदर आपका नाम ही नहीं आ रहा या अगर आपने

लेकिन फिर आपको थोड़े बहुत एड्स एडवर्टाइज करना पड़ता है मार्केटिंग स्पेंड चाहिए होता है आपको गूगल डालने के लिए फेसबुक में इंस्टाग्राम में ठीक है तो आपकी ये मार्केटिंग एफर्ट्स काउंट करते हैं कि आपने प्रोडक्ट तो अच्छी बना ली लेकिन आप एक अच्छे उसको मार्केट भी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो तभी कुछ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना वो सब चीजें देखते हैं कि आपकी टीम राइट है आपने मार्केटिंग अगर आपकी टीम में गैप है तो आपने क्या मार्केटिंग या सेल्स के एडवाइजर्स की हेल्प ली हुई है आपके बोर्ड के अंदर कोई एडवाइजर्स हैं या आपकी गो टू मार्केट प्लान क्या है आप

अगर और इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि वो अपने टाइम से पहले चीजें आ गई थी और वो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी हो सकता है उनको पांच छह साल लग जाते तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाती तो इस से बिल्कुल ए, होता वही है वही एग्जाम्पल है जिस तरह एप्पल जो है वो पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी नहीं थी बिल्कुल हाँ, uh, राइट right? इस तरीके से बहुत सारी एग्जाम्पल कि दे वर नॉट द फर्स्ट मूवर्स इसमें कहते हैं कि फर्स्ट मूवर्स लेकिन दे लॉन्च लेट लेकिन वो सक्सेसफुल हो गए क्योंकि उनके सारा जो इकोसिस्टम था कॉम्बिनेशन था इन सब चीजों का वो सब सही था सही ठीक है ठीक है Uh, तो ये थोड़ा सा हमने स्ट, स्टार्टअप के फेलियर रीजन के ऊपर कर दिया ये सारी ऑब्वियसली मैंने सारे नीचे लिंक्स डाले हुए कि आप लोग अगर चाहो तो और इस पे देख मुझे तो ये, ये कहीं अपलोड कर देना ताकि मैं फिर अपलोड इसको कर दूं आ, अगर कोई ऐसा में ऐसा मटेरियल नहीं है जो कॉन्फिडेंशियल हो तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा ताकि लोग अगर देखना चाहें तो इस प्रेजेंटेशन को तो अलग से देख लेना अब हम जाते हैं एयरलिफ्ट सॉरी एयर बी की जर्नी के ऊपर हमने जो एयर बी की बात की थी Hmm. क्या हुआ था 2007 के अंदर उनका जो फाउंडर है ही जस्ट केम अप विद उनको hmm. एक फोर डे इवेंट करते हैं बस वो आए यहाँ पे उनको हम वायरलेस इंटरनेट भी देंगे डेस्क भी देंगे और बेड एंड ब्रेकफास्ट देंगे एक छोटा सा स्लीपिंग मैट होगा उन्होंने इस आइडिया से एयर एयर बी बी स्टार्ट की थी तो

लोगों को समझ नहीं आ रही थी मिस टाइम प्रोडक्ट क्या क्या करना चाह रहे हैं कौन जो है दूसरों के घरों में आके रहेगा तो उस लोगों के लिए सर्वाइवल भी मुश्किल हो गई थी तो इस वक्त अगस्त से लेके नवंबर तक उन्होंने सीरियल के डब्बे बेच के रेवेन्यू कमाया कि अच्छा। भाई हमें सस्टेन तो करना है ना हम क्या करें तो फाउंडर्स ने जो है वो ओबामा के प्रिंट आउट करके सीरियल के डब्बे लेकर उन्होंने बेचे थे फिर अच्छा। जो उनका इवन इनका जो फाउंडर है उन्होंने ट्वीट भी की है कि made, अच्छा। अच्छा। बेचे और तब कमाएरेंट मतलब डोमेन में चले उन्हों इसे, उनको करना था ना, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास रेवेन्यू नहीं, नहीं है बिल्कुल हम, हम हमारे पास जो है वो कैश खत्म हो गया अब हम क्या करें दे इनिशियली गोइंग टू वेरियस इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था तुम क्या कौन आएगा तुम्हारे इस आइडिया में लोग दूसरों के घरों में आके रहेंगे ठीक है और आज आपको पता है की एरवी कहाँ पे है फिर हाँ. ये हुआ इसके बाद जनवरी 2009 में दे गॉट इनटू वाई कॉम्बिनेटर वाई कॉम्बिनेटर यूएसए का ना बहुत बड़ा कि जो वाई कॉम्बिनेटर में आ गया ना घुस गया जिसको गया, वो शो, है तो वाई कॉम्बिनेटर में एक्सेप्ट होने के बाद उनको ट्वेंटी डॉलर की फंडिंग मिली फिर उन्होंने अपना उन्होंने दिखा कि आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट में आई थिंक ये नाम अच्छा नहीं है व्हाई डोंट यू रीनेम टू airbnb.com अपना मॉडल mm -hmm. थोड़ा चेंज करें है मे बी आप होटल्स की तरफ जाएं mm -hmm. तो फिर उन्होंने 2009 मार्च में री लॉन्च किया विद द नेम ऑफ airbnb अच्छा। और मैं कहीं इनकी स्टोरी पढ़ रहा था आई थिंक दे हैव लॉन्च्ड दे हैव लॉन्च्ड airbnb 3 और 4 टाइम्स अच्छा 4 टाइम जाते फिर ये क्लिक हुई है तो इट्स नॉट दैट इजी लेकिन फिर उसके mm -hmm. बाद 2010 एक साल के अंदर इन्होंने तकरीबन 7.2 मिलियन के फंडिंग पे रेस की और फिर ग्रो करते करते आज Airbnb, Airbnb आपके सामने है तो दिस इज 2007 से अब तक इनकी जर्नी शुरू में इट्स ऑलवेज वेरी स्ट्रेसफुल वेरी डिफिकल्ट और hmm. यहाँ पर जो होता है ना मेजोरिटी फेल हो जाती है फंड खत्म हो गए या फाउंडर्स बर्न आउट हो गए दैट इज वाई टू थ्री को फाउंडर्स इम्पोर्टेंट के आप एक दूसरे का लोड शेयर करें

किस तरीके से आप इन्वेस्टर के अंदर अपना पूरा केस प्रेजेंट करते हो कि उसको समझ भी आ जाए और वो आपसे इम्प्रेस भी हो एंड द होल आइडिया इज दैट के दे कॉल यू फॉर द नेक्स्ट मीटिंग पिच टेक आप जब कोल्ड कॉलिंग करते हो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को आप नहीं जानते उनको भेजते हो या जिन इन्वेस्टर्स को आप जानते हो द बेस्ट वे टू अप्रोच इज थ्रू अ वॉर्म कनेक्शन आप जाओ कि कोई और इंट्रोड्यूस कराए आपको लेकिन hmm. अगर आप नहीं भी होता इन एनी केस जब भी आप इन्वेस्टर के सामने जाते हो ना देन दे आस्क फॉर पिच टेक कि आपका पिच क्या तो है व्हाट इज योर पिच तो कैपिटल है सीवाफी अच्छे वीसीज हैं डॉक्स एंड वगैरह है तो इन सब में क्या है कि इन्होंने बताया हुआ कि आपकी स्लाइड जो पिच डेक होती है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि व्हाट इज योर कंपनी पर्पस प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है सोल्यूशन क्या है आप क्यों कर रहे हो और व्हाट इज अ मार्केट साइज जो हमने मार्केट साइज पे टच किया था मार्केट साइज कितनी है इन्वेस्टर्स गेट एक्साइटेड साइज है फिर कॉम्पिटिशन hmm. लैंडस्केप क्या है अगर कोई कहता है, मेरा कोई नहीं है तो या तो उसको पता नहीं है या वो बेवकूफ बना रहा है आपका बिजनेस मॉडल क्या, क्या है तो ये तरीके से good कॉन्फिडेंस के या एटलीस्ट गुड पिक्चर के आप क्या करना चाह रहे हो and then you move to the next step मूव टू दैक्स interested होते हैं तब आप उनको pitch करते हैं और फिर detailed फाइनेंशियल मॉडलिंग आपका डेटा रूम होता है उसके अंदर सारे आपके कोलेट्रल्स होते हैं वो आप शेयर करते हैं और देन देन इन्वेस्ट इन यू ओके तो अब तक तो जो हमने कवर किया स्टार्टअप एज अ जर्नी के स्टार्टअप में किस तरह फंडिंग होती है किस तरह आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं किस तरह वेलीडेट करते हैं और फिर जितना लेट आप इन्वेस्टमेंट रेस करें उतना बेटर है तो हम लिगैटिका जो है आई मीन आई बीन वर्किंग ऑन लिगैटिका फॉर द लास्ट फॉर टू इयर्स नाउ तो इसमें भी मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ और काफ़ी लर्निंग की है तो आई विल शेयर आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड व्हाट आई मीन मोस्ट ऑफ द पार्ट और अब उसमें ये है कि अब लिगैटिका हमने क्या बनाई है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हम इसकी अभी फंड रेजिंग कर रहे हैं तो so, अगर आप लोग इसमें uh, शामिल होना चाहते हैं और तो वाई नॉट तो जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ लिगैटिका देखा एक इन्वेस्टर होता है उसको पिचटेक नॉर्मली आप भेजते हैं एक होता है स्मॉल पिचटेक जनरली क्या होता है आपने टीजर भेजते हैं नॉर्मली इन्वेस्टर्स को आप चारा डालते हैं कि वो उनको अट्रैक्ट attract लगे अट्रैक्ट लगे और फिर वो आपको जो है कॉन्टेक्ट करें और फिर आप मीटिंग करें तो मीटिंग के अंदर फिर आप ना उनको अपना पूरा पिच डेक प्रेजेंट करते हैं और अगर वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आप उनको अपना डील रूम का ना या डेटा रूम का एक्सेस दे रहे हैं डेटा रूम क्या होता है नॉर्मली आपने अपने गूगल ड्राइव के अंदर या आपने कोई मे बी किसी ड्रॉप बॉक्स के अंदर आपने अपने सारे इंपॉर्टेंट कोलेट्रल्स रखे होते हैं जिसके अंदर आपके पिच पिचटेक आपका फाइनेंशियल मॉडल आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने कस्टमर साइन किए हुए हों आपने कोई आपकी पुरानी बैंक स्टेटमेंट्स या आपके जो अकाउंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इन्वेस्टर को एज ए ड्यू डिलीजेंस करते हुए काम आती हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं उनका एक अपना फॉर्मेट होता है ड्यू डिलीजेंस का तो आप उनके फॉर्मेट के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फंड रेजिंग प्रोसेस जो होता है वो काफी होते है. हैं तो दैट इज वाइज वेरी रहा हूँ और एक फाउंडर जो है ना वो बाकी बिजनेस को आगे चला रहा हूँ या अगर इफ सोलो फाउंडर तो आप अपनी टीम को डेलीगेट करें कि भाई आपने कंपनी प्रोडक्ट चलाना है और आप यू फोकस ऑन ऑन फंड रेजिंग हम स्टार्ट जिस तरह आपने पहले बताया कि आप प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है तो अब नाउ दिस इज़ वेरी यूके स्पेसिफिक टू बिगिन विद के यूके के अंदर लीगल रिकोर्स क्वाइट एक्सपेंसिव है uh, ये तो वर्ल्ड वाइड ही प्रॉब्लम है कि जो लॉयर्स होते हैं वो काफ़ी कमाते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहे हैं हाँ. लेकिन लॉ जो होता है वो कंफ्यूजिंग भी काफ़ी होती है हुँ. तो कुछ स्टैट्स हैं कि यूके के हिसाब से हमने जब शुरू में आइडिया आया था हमारे को फाउंडर जो है वो लॉयर है हम ती, तीन को फाउंडर हैं एक को फाउंडर लॉयर है एक को फाउंडर सीनियर मैनेजमेंट के अंदर है और एक मैं टेक्निकल तो हम तीनों ने मिलकर ये कंपनी लॉन्च की उसमें आइडिया ये था कि वी शुड स्टार्ट विद मैरिज ऑफ लीगल एंड टेक टुगेदर क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी का बैकअप बैकग्राउंड था और एक लॉयर को फाउंडर था तो व्हाट कैन वी डू टू मेक अ मर्जर ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी सो लॉ टेक के लें या लीगल टेक के लें यूके hmm. uh, के अंदर अब यह काफी प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया क्योंकि यूके गवर्नमेंट जो है इट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि आप जो लॉयर्स हैं या लीगल इको सिस्टम है ना उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए हर जगह ऐसा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अडेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि वो तो मतलब जो चल रहा है वैसे चलना चाहिए लॉयर्स वन ऑफ देम इन दू के एटलीस्ट तो अब वो इको सिस्टम चेंज हो रहा है

इंडिया में डिफरेंट होता होगा लेकिन यूके के अंदर ये होता है कि आपके जो एसेट्स होते हैं मेट्रीमोनियल भी स्प्लिट होते हैं फिर चाइल्ड केयर की जो रिस्पॉसिबिलिटीज होती हैं वो भी आप पे है, so होती हैं है, फिर आपके मेंटेनेंस का भी एलिमेंट शायद हो सकता है तो उन सारी चीजों की वजह से इट्स हमने सोचा था कि हम फैमिली लॉ से स्टार्ट करेंगे कि फैमिली hmm. लॉ के लिए कोई ऑटोमेटेड चीजें हम लेके आए लाइकवाइज इन जनरल यूके के अंदर टू में कुछ लीगल एड यूके के अंदर क्या था कि पहले कुछ ना एड मिलती थी उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे लॉयर्स तो उनको ना स्टेट कुछ एड देती थी कि हम अपने लॉयर करके देते हैं कुछ फैमिली लॉ में केसेस थे कुछ एरिया से जहां पे स्टेट फंडिंग मिलती थी तो टू थाउजेंड टर्टीन के अंदर उन्होंने वो फंडिंग भी कम कर दी अच्छा। तो ओवरऑल यूके के अंदर जो इको सिस्टम था वो ऐसा है कि जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास भी लोग हैं दे कांट अफोर्ड अ लॉयर अ प्रॉपर लॉयर कंप्लीट फॉर द होल थ्रू आउट द जर्नी और लिटिगेंट्स इन पर्सन यानी वो लोग जो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कोर्ट में वो ज्यादा होने शुरू हो गए थे उससे क्या होता है कि वो दे देकान रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली और जो हुँ. उनके बेस्ट इंटरेस्ट में होता है वो नहीं कर पाते अच्छा एक दूसरा एंगल प्रॉब्लम क्या क्या है कि यूके के अंदर तक एक लाख पच्चीस हजार से तकरीबन तक ऐसे हैं कि या तो वो सोल प्रशनर है या वो छोटी छोटी लॉ फर्म्स के थ्रू काम करते हैं एक या दो पार्टनर है कंपनी में बस उन लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि नए कस्टमर को फाइंड करना ऐसे कस्टमर जो कि पे कर सकें जो कि उनसे हमारा कोई डिस्प्यूट ना हो या नए कस्टमर को एक्वायर करना ही एक नॉन बिलेबल टाइम है कि अगर वो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी में स्पेंड कर रहे हैं या टाइम लगा रहे हैं तो वो जो पैसा कमाने के लिए जो टाइम है वो नहीं लगा पाते तो एक छोटी लॉ फर्म के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं ज्यादा अपने आप को बिलेबल बनाऊँ ज्यादा ज्यादा घंटे में क्लाइंट के काम में करूँ ताकि मुझे पैसे मिले सही तो ये उनकी प्रॉब्लम है बड़े बड़ी जो लॉ फर्म्स हैं उनकी प्रॉब्लम डिफरेंट है उनके हिसाब से छोटे क्लाइंट्स को मैनेज करने की कॉस्ट बहुत हाई है क्योंकि उनके जितने एम्प्लॉज होते हैं दे दे आर आर वेल पेड हाई पेड एम्प्लॉज और बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं लीड्स होती हैं वो कन्वर्ट नहीं होती हैं ऑन बोर्डिंग प्रोसेस काफ़ी इनफिशेंट है जो हमने स्टडी की मार्केट में और जो इंफॉर्मेशन वो क्लाइंट्स कैप्चर करते हैं वो कभी इनएक्यूरेट होती है <coughs> उससे क्या होता है कि दे कांट डू दैट सर्व देट प्रॉपरली और सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो एक नॉर्मल कस्टमर को मिलता है कि अगर कोई कस्टमर इनिशियल 500 पाउंड 600 पाउंड पर घंटे के किसी लॉयर को दे रहे हैं तो जो पहली मीटिंग होती है ना वो तकरीबन वेस्ट हो जाती है कि बताने भाई मेरा नाम क्या है मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरा केस है क्या तो जो क्लाइंट इंडक्शन प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग है यूके के अंदर right. अब कंपनीज आ गई हैं जिसपे काम कर रही हैं लेकिन हम उस पर भी आते हैं तो हम हमने ये सोचा कि वी शुड हैव वी शुड एड्रेस ऑल प्रॉब्लम्स इन वन गो और हमने एक प्रोडक्ट uh, uh, बनाया इसका नाम है इसमें हमारी दो जर्नी है एक है डी टू सी आई डोंट नो अगर आपको डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी आप ई से कोई चीजें खरीदते हैं या अमेजोन से कोई चीजें खरीदते हैं और एक होता है बी टू बी टू सी यानी आपने बिजनेस टू बिज़नेस लेकिन वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को सर्व कर रहे होते हैं तो हमारे इस वक्त जो बिज़नेस मॉडल हैं वो दो हैं एक तो डी टू सी और बी टू बी टू सी है कि हम हम एक सिस्टम एक मार्केट प्लेस बना रहे हैं लॉयर्स की मीडिएटर्स की कोचेस की कि कोई भी कस्टमर दुनिया में कहीं भी हो अगर उसको कोई भी लॉयर चाहिए तो दुनिया का कोई भी लॉयर उसको सर्व कर सके ऑब्वियसली कुछ डायनेमिक्स कुछ चीजें ऐसी होंगी एरिया ऑफ लॉ के वो सिर्फ लोकलाइज्ड होती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर यूके के कोई फैमिली लॉ है कोई डिवोर्स का केस है तो कोई दुबई का जो लॉयर है वो काम नहीं कर सकता लेकिन बहुत सारे एरियाज जैसे हैं जैसे कमर्शियल लॉ है या बिजनेस लॉ है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है इसके अंदर अगर कोई लॉयर यूके में बैठा हुआ है और कस्टमर दुबई में है कोई दुबई में कोई आप अगर यूके में प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आप हम मतलब हमारे थ्रो लॉयर को बोर्ड कर सकते हो अच्छा मैं इसमें ये सोच रहा था कि जैसे Uh, uh, लौय, हाउडरेंट इफाउट uh, नहीं आ, कर सकते हैं लेकिन फॉर एग्जाम्पल अपमें कुछ लॉयर्स अपनी सर्विस एडवरटाइज करते हैं या कुछ क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं लेकिन इन सारी जगहों में क्या होता है कि क्लाइंट जस्ट पुट देर रिक्वायरमेंट और फिर लॉयर्स को बिट करना पड़ता है लॉयर जाके अपना प्रपोजल देते हैं दे स्पेंड टाइम ऑन इट और क्लाइंट को ये एक ही को चूज करता है सही so, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके अंदर ऑल द प्रोफाइल्स ऑफ द लॉयर्स आर विजिबल और उसमें so. जो है ना उनके रेट्स और इवन यू कैन डायरेक्टली बुक देम वाई आर ऑनलाइन कैलेंडर और उसके थ्रू लॉयर का अपना टाइम वेस्ट नहीं होता तो लॉयर ने अपनी प्रोफाइल डाल दी हमने लॉयर की प्रोफाइल डाल दी और उनकी अवेलेबिलिटी लॉयर ने अपनी अपडेट कर देते हैं और क्लाइंट पे डायरेक्ट जाके उनको बुक कर सकते हैं

तो इसमें अब अगर कोई बिजनेस लीगल सर्विसेज हैं, देन वी टेक देम डायरेक्टली येट टू द लीगल प्रोफेशनल्स जो कि बिजनेस के, के एरियाज में कवर करते हैं hmm. इसमें इंटेलेक्चुअल uh, प्रॉपर्टी से लेके बिजनेस स्टार्टअप वीजा hmm. या डिस्प्यूट्स या आपकी ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन ये सारे काम हमारे लॉयर्स जो हैं जी जरा पार्टनर लॉयर्स हम इनके hmm. साथ कमीशन मॉडल पे काम करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल केवन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये यूएसए के अंदर जो भी आई पी होती हैं अगर आप कोई स्टार्टअप है वो अपनी आई पी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं यूके के स्टेट्स में दे कम प्रोफाइल

इंडिविजुअल्स भी हैं नॉट ओनली बिजनेस लेकिन उनका या तो कोई अपना डेप्ट स्मॉल क्लेम्स जो है वो कोर्ट के थ्रू को डिफेंड कर रहे हैं जजमेंट या वो किसी से अपने पैसे लेना चाह रहे हैं तो यूके बेस्ड अगर कोई ऐसा बिजनेस है या ऐसा कोई इंडिविजुअल है जिसके कोई पैसे दिए हुए हैं और लोग नहीं दे रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस पूरा प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या रिकवरी प्रोसेस है और उसके क्या क्या फिक्स फीस हैं और किस तरह उसको लेके चलना चाहिए तो इनिशियल right. कंसल्टेशन अगर आपने बुक कराई है देन यू कैन डिस्कस ऑल ऑफ़ दिस और फिर उसके mm -hmm. बाद अक्सर ये होता है कि देन यू कैन हैव अ स्ट्रेटजी के फॉर एग्जांपल फॉर थ्री फिफ्टी कैन गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड देन शी कैन यू और गिव अ लेटर ऑफ एक्शन एक्सेट्रा एज है इस okay. तरीके से आ, अगर आप फैमिली लॉ के अंदर जाते हैं तो फैमिली लॉ के अंदर यहाँ पे यूके में जैसे डिवोर्स के, के केसेस हैं या चाइल्ड केयर या फाइनेंशियल सेटलमेंट के, के केसेस हैं तो अतीक इज वन ऑफ आवर एक्सपर्ट लॉयर वो इसमें जो है वो डील करते हैं तो आई मीन यू गो टू अर वेबसाइट एंड यू कैन चूज एनी लॉयर यू अच्छा इसमें मुझे आ, एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ख्याल आया क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर बात करते हैं इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली भी बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है यूके थ्रू लॉयर्स तो इमीग्रेशन uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉयर्स हैं और वो क्या क्या सर्विसेज किस तरह से देते हैं बिल्कुल अब जैसे साइमा है शी इज वन ऑफ आर पार्टनर लॉयर और शी डील्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ लाइक किसी को अगर इंडिविजुअल इमीग्रेशन है या इवन बिजनेस इमिग्रेशन है बिजनेस आजकल यूके के अंदर एक नया रूट स्टार्ट हुआ है दैट कॉल्ड दीजा स्केल अप वर्कर वीजा अगर कोई कंपनी है जो कि स्केल अप हो रही है तो वो टेयर टू पहले होता था अब स्किल्ड वीजा कहलाता है उसके थ्रू वो बहुत इजीली सिक्स मंथ्स तक यूज़र जो लोग हैं वो आ सकते हैं सॉरी टू ईयर्स का वीजा मिलता है वर्कर को तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा स्किल है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में और यहाँ पे एक स्केल अप कंपनी है जो कि स्टार्टअप से स्केलअप हो गई है hmm. उसको रिक्वायरमेंट hmm. है क्योंकि यू के में ब्रेक्जिट के बाद ना काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है वर्कर्स की काफ़ी शॉर्टेज है स्किल्स की तो अगर आप फॉर एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट हो या आप कोई अच्छे प्रोग्रामर हो या आप इन एरियाज में काम करते हो तो आपकी यहाँ पे काफ़ी डिमांड है तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन लुक फॉर दो जॉब्स जो स्केल अप कंपनीज करती हैं वो आपको टू इयर्स का वीज़ा इशू कर सकती हैं आप आते हो सिक्स मंथ्स तक आप उनके लिए काम करो और उसके बाद या तो अपनी कंपनी शुरू कर लो या आप कंटिन्यू करो और आपको यहाँ पे फाइव इयर्स गुजारने होते हैं फिर leave के लिए और फिर एक साल के बाद आपको नेशनलिटी मिल जाती है hmm. तो फॉल फ्रॉम बिजनेस स्टार्टअप पैकेजेस के अगर कोई बिजनेस बिजनेस स्केल अप स्टार्टअप है वो अपना टीयर टू स्पॉन्सरशिप या स्किल्ड वीजा की स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अगर कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान इंडिया से यूके आना चाहते हैं देन वी हैव गॉट एन एक्सपर्ट लॉयर वो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यू कैन डिस्कस योर केस शी डील्स इन एम्प्लॉयमेंट लॉ इमिग्रेशन

आई मीन नॉन रेजिडेंट यूके मैं मैं नहीं हूँ hmm. और प्लस ये कि मैं सिटीजन भी नहीं हूँ यूके का तो मैं प्रॉपर्टी बाय करना चाहता हूँ लेट्स से लंदन के अंदर hmm. तो कोई इस तरह की हाँ कन्वेंसिंग सॉलिसिटर्स होते हैं बिल्कुल अच्छा. ये वी कैन डील विद दैट सो वी वी आर इन डिस्कशन विद लाइक जितनी ज्यादा सप्लाई होगी डिमांड आएगी तो हम जितने डाइवर्सिफाइड लॉयर्स और वार्कर्स okay. लेके आएंगे उतनी ज्यादा डिमांड hmm. आएगी sure. इसीलिए हमने फिर अपना एरिया एक्सपेंड किया टू मीडिएटर्स एंड कोचेज एज वेल सो फॉर एग्जाम्पल यूके में रिलेशनशिप कोचेस काफी प्रोमिनंट हैं या कोई अगर मीडिएटर डिवोर्स से पहले फॉर एग्जाम्पल इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अगर कोई मीडिएशन के अंदर भी आपके पास फैमिली लॉस से हो सकता है या बिजनेस से रिलेटेड हो गया है, तो मीडियशन करके उसको रिजोल्व कर सकते हैं अगेन फीस आर वेरी वेरी अफोर्डेबल यूके के हिसाब से hmm. और उसमें आपको सही गाइडेंस मिल सकती है right. एल्गो right. hmm. hmm. uh, 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 को ट्रेन करें पुराने केसेस के ऊपर और पुराने केसेस के ऊपर लोग अपने हमारे कुछ गाइडेड पाथवे होते हैं उसके थ्रू वो आंसर करें और उसके बाद उनको ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन मिलेगी फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डिवोर्स के केस है हमने वी विद फैमिली लॉ तो कोई डिवोर्स और सेपरेशन के, के केस में आ, देखना चाहता है कि मेरी कितनी फाइनेंशियल अगर मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना परसेंटेज डिवाइड करना पड़ेगा मेरी चाइल्ड मेंटेनेंस लाइबिलिटी कितनी होगी मेरी मेंटेनेंस हाउसलिटी कितनी होगी तो ये सब हमने एक तरीके से आर्टिफिशियल लॉयर की तरह हमने इसको ट्रेन किया हुआ है और वी वॉन्टेंड टू एक्सपेंड टू इमिग्रेशन टू तो ये मॉडल तो well. है ये इसमें भी चार्जेस होते हैं course, वो इसकी फीस हमने बहुत नेग्लिजेबल रखी है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉयर uh, है वो चार्ज करते हैं थ्री हंड्रेड पाउंड तो ये तकरीबन आप फॉर अफ फिफ्टी पाउंड हमने इसको और हमने जब लॉन्च किया था देन वी ओनली कैप्ट एट 19 पाउंड टू बिगिन विद तो इट गॉट अ गुड गुड ट्रैक्शन के लोगों ने काफी इसको यूज किया एंड दे गॉट अ गुड आउटपुट एज वेल तो मतलब ये मैं जो समझ रहा हूँ उसमें ये कि लेट से मैं अपनी पूरी कंडीशन टेक्स्ट uh, में टाइप करके बताऊंगा या फिर वो नहीं, इसमें क्या होता है वी आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपकी एज ब्रैकेट कितना है hmm. आपका फाइनेंशियल मैट्रिमोनियल पॉट कितना है आपकी पेंशन कितनी है आपकी सैलरी कितनी है आपके पार्टनर पार्टनर जो होने वाले उनके क्या फाइनेंस हैं कितने चिल्ड्रेन हैं कितने चिल्ड्रेन hmm. है, hmm. की एजेस की रेंजेस क्या है right. इस हिसाब से वी मैच दम अगेंस्ट आर वेटेड एल्गोरिज्म के hmm. पहले से फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोर्टी साल के मेल हैं और अगर आप लंडन में हैं आपके दो बच्चे हैं और आपकी एटी थाउजेंड पाउंड सैलरी है आपका पेंशन पॉट इतना बड़ा है और आपके पार्टनर जो है वो काम नहीं करते तो आप जब अगर डिवोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो फिफ्टी परसेंट आपको मिलेगा 50 उनको मिलेगा या मे बी सेवेंटी परसेंट उनको मिल जाए थर्टी परसेंट आपको मिलेगा आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा आपको चाइल्ड मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा तो बहुत सारे लोग जो है फिर वो देख के डर जाते हैं कि इससे बेटर है शादी कर लो आई मीन डिफरेंट डिफरेंट लाइक वाइज यू टू एक्सपैंड दैट ai capability to other areas of law like immigration hmm. law employment law um, likewise business disputes so we want to make it as automated as possible hmm. so this is one of one of our core features फिर हमारी वेबसाइट में इफ़ यू जस्ट गो टू गेट स्टार्टेड तो दिस इज अ फ्री सर्विस कि यहाँ जाके आप डिवोर्स से रिलेटेड है नक्चुअल है या एम्प्लॉयमेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्री में ले सकते हैं वी सेंड योर डिटेल पी डी एफ उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि वो क्या होता है कि इंटरनेट में इस ऑफ इन्फॉर्मेशन

नहीं हम लोगों ने जो पूरा अच्छा इसमें स्टार्टअप के अंदर क्या होता है? कि very, uh, very, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो ए डब्ल्यू एस क्लाउड के ऊपर है ए डब्ल्यू एस में और ए डब्ल्यू एस के अंदर वी हैव गॉट अराउंड डॉलर क्रेडिट्स तो हमारा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इट इज ऑलरेडी पेड फॉर द नेक्स्ट फोर टू फाइव ईयर हमारी जो मंथली जो

एक्विटी के थ्रू जो है वो हमारे साथ है लेकिन जब हम फंड रेजिंग कर लेंगे बट बिकॉज ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन दी इको सिम एंड वी आर वेरी क्लोज तो ही ट्रस्टेड अस एंड डेवेलप बैकग्राउंड और जितना होता है ना कियमेंट करना every three days, every four days, days एक नया रिलीज आता है कि हम कोई बग फिक्स कर रहे होते हैं या कोई यूजर की नई रिक्वायरमेंट आती है तो वो लॉन्च कर रहे होते हैं तो उसके हिसाब से पूरी एक जीरा के अंदर हमारी तकरीबन तक एश्यूज हैं जो कि हमारे ओपन है तो उसको सॉल्व करते हैं हमारी टीम को बहुत बड़ी नहीं है हमारे हमने जो प्रोडक्ट डेवलप की थी वो फ्री लांसर्स के थ्रू डेवलप की थी अच्छा। और उसके बाद जो है हमारे अच्छा, इसमें ऐप भी है या सिर्फ वेबसाइट पर अभी अभी सिर्फ हमारा वेब ऐप है मोबाइल ऐप नहीं है बट इनश्ला बनाना पड़ता है और इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ता है, well. um, yeah, uh, है आपको इंटेलिजेंटली हाँ, हाँ, खर्चा करना पड़ता है और खासतौर तो पर जो फाउंडर्स होते हैं वो शुरू में कोई सैलरी भी ड्रॉ नहीं करते तो sure कि आपका जो किचन है वो चल रहा हो किसी और सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से या आपकी कोई और एक्स्ट्रा जॉब भी हो अगर आपको कोई भी इसमें uh, चाहिए ठीक है ये सब ठीक है लेकिन अगर लेट hmm. से uh, कोई चाहता है कि लगेटिका uh, में इन्वेस्ट करे तो वो uh, वो कैसे कर सकता है क्या क्या ऑप्शन है अगर यूके में है या यूके से बाहर क्योंकि मेरे ऑडियंस यूके में भी है

सेफ uh, गार्ड से क्या मतलब के जैसे मतलब example, ये के, के, आप जो इन्वेस्ट uh, कर रहे हो वो कंपनी के अंदर ही जा रही है यस yes, yes. okay. यस uh, के, के और हुँ. उस कंपनी की इंफॉर्मेशन गैदर करना इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी ओपन टू पब्लिक कंपनीज हाउस एक वेबसाइट है आप वहां हुँ. पे जाके कंपनी का नाम डालें तो उसके पूरे एनुअल रिटर्न्स शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से key persons है, director, secretary, सब की हैं डायरेक्टर सेक्रेटरी सबकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है right. तो फॉर एग्जाम्पल इफ समी वॉन्ट टू इन्वेस्टमेंट लेगेटेगा अभी हम लोग टू फिफ्टी के रेस कर रहे हैं तो मैं इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेक डाउन बताता हूँ आपको लेट मी जस्ट गो टू दिसक ओके अबाउट दी करंट फंडिंग राउंड ऑफ लेगेटेगा जैसे अभी हम लोग

और लिगेटिका को बनाने में और अब तक उसको लॉन्च करने में तकरीबन फोर्टी थाउजेंड पाउंड जो है ना वो हमारे खर्च में है हमने फ्री बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली फ्रीलांसर्स को हायर किया Uh, और जो भी हमारी मार्केटिंग स्पेंड है, सेल्स एफर्ट्स हैं, सब चीजें uh, आपको डिफरेंट वगैरह की में जाना पड़ता है तो, इस सब मिला के 40, तो है। अच्छा, लेकिन अब जो हमारा वी आई ऑब्वियसली हमारे इसके पीछे इस फिगर में आने के पीछे पूरा फाइनेंशियल मॉडल है के 250K 12 के हम एक साल के लिए हमें टू फिफ्टी के रन करना है

तो जो मार्केटिंग का जो स्पेंड है इसके अंदर फ्रॉम एड स्पेंड टू वेबिनार्स टू बिकॉज चूंकि हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं तो हमारी जो ऑडियंस जो कह लो कि हमारे जो कस्टमर है दो हैं एक तो वो कस्टमर है जो लॉयर्स हैं हमें उनको ऑन बोर्ड लेके आना है और एक एंड कस्टमर है जो कि वो सर्व होंगे ठीक है लाइक वाइज फिर हमारी जो बी टू बी मॉडल है जो कि हम क्लाइंट इंडक्शन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसके लिए हमें बड़े लॉ फॉर्म के पास जाना है तो उसकी एक साइकिल बहुत लंबी है तो उन सब को हिसाब से हमारी जो पर्सनल की कॉस्ट है दैट्स मार्केटिंग स्पेंड है और हमारा ज्यादातर स्पेंड जो है वो टेक्नोलॉजी में और उस टेक्नोलॉजी को ग्रो करने के हिसाब से जिसमें हमारी ए आई बेस्ड जो हम रिकमेंडेशन बता रहे हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छा है अभी तक रेवेन्यू का क्या स्टेटस है, है मतलब इसमें जनरेट uh, हो रहा है मैं इसमें ट्रैक्शन में था। अब हमने हमने जो 2022 में लॉन्च किया था तो hmm. we started with personal. In fact, हमारे जो सबसे पहले था वो जनवरी में हुआ था 2022 में फैमिली लॉ we hmm. लेकिन then, मैंने बताया कि आप मार्केट वेलिडेशन साइकिल के अंदर जाते हैं तो फिर वेरी सुन वी रियलाइज कि जो फैमिली लॉ होती है ना वो अ वेरी उसके अंदर जो है ना वो यूजर्स आर वेरी डिफरेंट तो फिर भी लॉ इमिग्रेशन लॉ तो उसके अंदर फिर हमने लॉयर्स को शुरू किया हमने अपने प्रोडक्ट को दोबारा रिवैम किया हमने बिजनेस लॉ के हिसाब से उनको इंट्रोड्यूस किया अपने जो जो की मैसेज थे वो चेंज किए हमने एस वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो जून से लॉन्च अब तक हमारे पास तकरीबन आर ऑन बोर्डेड है अब तक हम तकरीबन 52 टू लीड जनरेट कर चुके हैं 30 प्लस साइन अप्स हो गए हमारे पास और तक 10 प्लस पेइंग कस्टमर्स हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू टू डेट इज अरा टू थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड लीड जनरेशन कैसे हुई है

Uh, जो uh, ब्लॉग्स को देखते हुए कस्टमर खुद हमें अप्रोच किया प्लस इट्स एन आउट बाउंड रीच एज वेल के वी ऑल्सो गो इन आउट रीच टू डिफरेंट कस्टमर्स कुछ बिजनेस कस्टमर्स है उनसे हम बातचीत करते हैं शो करते हैं तो इसमें काफ़ी मतलब सेल साइकिल होती है लेकिन आइडिया ये कि नाउ वी आर क्वाइट नोन इन द यूके यू यूके लीगल फर्टर्निटी हमने कुछ मेंबरशिप इनफैक्ट पार्टनरशिप की थी एक लॉ सिंप्लीफाइड एक कंपनी है लीगल पब्लिशिंग कंपनी है वो उनके साथ हमने पार्टनरशिप की है दे आर ऑल्सो आर एडवर्टाइजिंग एडवर्टाजीजमेंट पार्टनर्स तो वो हमें डिफरेंट hmm. जो लॉयर्स के इवेंट्स होते हैं उसमें हेल्प आउट करते हैं और हम डिफरेंट उनकी जो उनकी भी वीडियोस एंड ब्लॉग्स आते हैं हम उनके अंदर फीचर होते हैं हमने इस तरह किया फिर सेट स्क्वा इंक्यूबेटर है हम उनके मेंबर हैं इनके थ्रू हमें एडब्ल्यू से क्रेडिट्स मिले पूरे ईगल लैब्स के थ्रू कुछ क्रेडिट्स मिले थे और जो गो टू मार्केट प्लान है हमने एक मैनचेस्टर बेस्ड कंपनी थी उनको हायर किया था गो टू मार्केट प्लान के लिए तो वी बीन थ्रू द होल प्रोसेस लेकिन अब एक वक्त है कि नाउ फ्रॉम स्टार्टअप टू स्केल कि आजकल बिकॉज डिजिटल जो मार्केटिंग है उसके अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट के यू कान कम्पीट विद द इन तो पे पहले से अ होल फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर हम इतना एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग में दो तरह की होती है एक होती है टॉप डाउन यानी जैसे मैंने मार्केट साइज बताया था टैम सैम सोम तो लो या तो आप बोलोगे इतनी बड़ी मार्केट है और मैं वन परसेंट ऑफ दैट मार्केट या पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ दैट मार्केट ले लूंगा तो वो डजेंट गिव दैट कॉन्फिडेंस हमारी mm -hmm. पूरी फाइनेंशियल मॉडलिंग होगी बॉटम अप क्या हम इतना खर्च करेंगे मार्केटिंग में mm -hmm. तो इतना कन्वर्जन रेट होगा इतना कस्टमर आएगा इतना केस का रेट है इतना कमीशन हमारा होगा और इतना हम ये कमाएंगे so that, quite, quite तो इट गोस थ्रू दैट बॉटम अप्रोच इट्स क्वाइट क्वाइट डिटेल हमने फाइनेंशियल एनलिस्ट के साथ उसको वेट करवाया हुआ है तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन दैट

हमने कुछ ग्रांट्स के लिए भी अप्लाई यूके इनोवेट में तो वो इन्वेस्टर्स को अगर आंसर इनशालाई अबाउट क्वेश्चन की कोई नॉर्मल बंदा अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो फिर वो कैसे कर हाँ, सकता है फॉर एग्जाम्पल हाँ, अगर कोई अभी हम लोग जैसे टू फिफ्टी के रेस कर रहे हैं ना तो अगर कोई पांच फाइव थाउजेंड पाउंड टेन थाउजेंड पाउंड रेस करना चाहता है तो टू फिफ्टी के हम रेस कर रहे हैं टू मिलियन वेलुएशन में नहीं। नहीं। नहीं हमारा प्राइस पर शेयर है ना वन पाउंड नाइन पेंसर तो जितने पैसा इन्वेस्ट करोगे उतने शेयर्स आपको मिलेंगे और वो शेयर और हम लोगों का जो राउंड है आई थिंक कन्वर्ट कर लो नहीं ये, आ आ, है लेकिन पूरा एक शेयर शेयर टेबल होती है कितने के पास हैं और फिर जब आप उसको शेयर इशू करोगे तो कितने आएंगे पूरे कैप टेबल है है। उस पर so, let's let's आप वो टर्म शीट को देखोगे क्या टर्म्स है उसमें आपको कितने आपको मिलेंगे कितना बाज दफा क्या होता है की सम इन्वेस्टर्स डिस्काउंट एज वेल कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको और कितनी वैल्यूशन पे आप रेस करो टर्म शीट काफी होती है छः सात पेज की होती है उसमें सारे टर्म्स होते हैं कि फाउंडर जो हैं वो अपना किस तरह वेस्टेड शेड्यूल होगा कैसे निकाल सकते हैं पुराने शेयर होल्डर के साथ क्या होगा ये पूरी टर्म शीट होती है तो वो टर्म शीट पहले साइन होती है आ, वी बोथ एग्री ठीक है आ, दिस, दिस पार्टनरशिप टर्म्स और इन्वेस्टमेंट टर्म्स फिर आप क्या करते हो कि जब वो टर्मशीट साइन हो जाती है देन यू वायर द मनी टू माय टू आर बिजनेस बैंक अकाउंट वो hmm. यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद हमारा जो राउंड है गेटिंग क्लोज्ड अराउंड इधर 15 ऑफ़ तो जैसी राउंड क्लोज होता है

उंट तो कर सकते हैं जैसे अभी हम टू मिलियन पर रेस कर रहे uh -huh. like so, हैं तो बेशक अप्रोचस एंड जबरदस्त चले अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे पहले नहीं पता थी कुछ चीजें बातें हो, हो रही होती थी क्या क्या बातें होती थी, <laughs> थी। तो, तो कुछ चीजें क्लियर हुई हैं मुझे बहुत आ, मेरे लिए इंसाइटफुल थी आई होप के जो जो व्यूअर्स होंगे और जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उनके लिए भी जो है ना ये एक इंसाइटफुल उट टू उमैर इफ इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू है इस वीडियो में जब uh. मैं अपलोड करूंगा तो कमेंट्स आएंगे तो उमेर यू कैन जस्ट फॉलो अप देर एज वेल बाकी मुझे प्रेजेंटेशन uh, अगर फॉरवर्ड कर दो तो फिर मैं जो है उसको लिंक में लगा दूंगा if you, if you हाँ बस यही है इफ़ यू वांट एनी मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दि स्टार्टअप इकोसिस्टम लाइक मैंने तीन साल तक काफी इसमें मगजमारी की है अपनी डे जॉब के साथ जिस कहते हैं ना कि नाइट आउल की तरह लाइट लाइट हाँ, जलाई है हाँ, और काफी इस पे स्पेंड किया है वीकेंड्स वगैरह सो आई हैव अंडरस्टैंड द होल इको सिस्टम किस तरह काम करता है and it's not necessary कि कोई भी स्टार्टअप करना चाहे वो फंड रेजिंग की तरफ ही जाए बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि वो विदाउट फंड रेजिंग भी सक्सेसफुल हुए हैं लेकिन जैसे हम जिस स्टेज पे हैं अगर हम ऐसे कैरी ओवर करते रहे तो मे बी हम जिस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं वो हम तीन साल पहुंच ही जाए hmm. लेकिन इन ऑर्डर टू हैव अ फास्टर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्योंकि अल्टीमेटली फाउंडर्स ने भी अपना टाइम अपना पैसा लगाया राइट वी ऑल्सो वॉन्ट आर आर ओ आई तो hmm. जितनी जल्दी एग्जिट हो या जितनी जल्दी हम पब्लिक आईपीओ की तरफ जाए उतना बेटर है चलो यार जबरदस्त फिर इंशाल्लाह अगर दोबारा हुआ तो आई एम श्योर पीपल आस्क देन वी 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 विल कैन कैन डीप डाइव इन एनी अदर सेशन यार यू

in the world. एक नया कॉन्सेप्ट था जो उमैर ने मुझे बताया और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि वो इस तरह की कोई उसने इनिशिएटिव लिया हुआ है और कोई काम कर रहा है अगेन इट इज़ अ लेसन एज वेल फॉर एवरीबडी किस तरह से हम नाइन टू फाइव जॉब के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी नाइन टू फाइव जॉब छोड़ दें क्योंकि हमारी एजेस ऐसी होती हैं एट लेट से फोटी प्लस के uh, मुश्किल होता है कि जॉब छोड़ना लेकिन उसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है नाइन टू फाइव के बाद आपको पाँच बजे से लेकर रात के दस ग्यारह बारह एक दो तीन मुझे ख़ुद पता है कि मैं भी ग्राइंडिंग कर रहा हूँ तो ज़ाहिर सी बात है उसके